तो आज के इस वेबिनार में सभी का स्वागत। बहुत नेट है कि आज हमारे बीच इस कार्यक्रम को आगे संचालन करने के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर विनोद कुमार केसर, सबसे सीनियर एमडी में से एक है यहाँ पर और एक लंबा अनुभव है उनका। उन्होंने पहले भी कई विश्वविद्यालय और उनके साथ काम किया है, बहुत सारी इनकी पत्रिकाएं हैं और हम लोग बड़ा खुश है कि आज इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और ली। थैंक यू वेरी मच पंकज सर, आज हम अपनी सीरीज को लास्ट एंड पर पहुंच गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5 दिनों से लगातार हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारी फैकल्टीज वेबिनार ऑर्गेनाइज कराए, किस तरह से उसमें टेक्निकल सपोर्ट अपने आप लिया जा सकता है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है डिफरेंट वे से कि किस तरह से वेबिनार ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किस तरह से सर्टिफिकेट के बारे में हम लोगों को सब चीजें बताई हैं। तो आज उसी सीरीज में हम लास्ट सीरीज में चल रहे हैं, लास्ट पायदान पर चल रहे हैं। आज मैं अपने इस प्रोग्राम के लिए 3 इम्पोर्टेंट फैकल्टीज को इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर हेमंत कुमार जी को। आप लोग शायद सब जानते होंगे डॉक्टर हेमंत कुमार जी स्पेशल एजुकेशन में एमएड स्पेशल एजुकेशन है और पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बीएचयू के स्टूडेंट है और आज की डेट में डॉक्टर साहब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन में एक अहम रोल निभा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में। टेक्नोलॉजी में बहुत ही उनका हाथ स्ट्रॉन्ग है। तो आज डॉक्टर हेमंत कुमार जी हमारे साथ रहेंगे जो हम लोगों को इस वेबिनार के कुछ नए नए चीजों के बारे में बताएंगे। इसके साथ में मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार जी का भी वेलकम करना चाहूंगा। डॉक्टर अखिलेश जी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर है स्पेशल एजुकेशन में। हम लोगों की एक क्वालिटी होती है कि स्पेशल एजुकेशन में होते हुए भी टेक्नोलॉजी में हम लोग किसी ना किसी तरह से अपने आप को जोड़कर रखते हैं, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के स्पेशल एजुकेशन चलाना शायद संभव नहीं है। इसलिए डॉक्टर अखिलेश जी जो महावीर ओपन वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के द्वारा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को और डिसेबल्ड बच्चों के एजुकेशन में काफी काम कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर नीरज अरोड़ा जी का। डॉक्टर नीरज अरोड़ा जी हेड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेल के वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में। सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और टेक्नोलॉजी में है। जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशल एजुकेशन में बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग काम नहीं कर सकते, तो डॉक्टर साहब हम लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे किस तरह से क्या क्या काम कर सकते हैं हम वेबिनार ऑनलाइन के द्वारा। और यदि आप लोग लगातार हमारी सीरीज से जुड़ेंगे तो आप लोगों को पता हो कि डॉक्टर अखिलेश कुमार और डॉक्टर नीरज अरोड़ा ये शुरू से ही हमारे साथ हैं। पहले जो फर्स्ट मंडे को सेशन शुरू हुआ था उसमें भी डॉक्टर अखिलेश कुमार ने और डॉक्टर नीरज अरोड़ा ने काफी अच्छा हम लोगों को किस तरह से फॉर्म बनाना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट पर गूगल में उसके बारे में काफी अच्छी तरह से बताया था। तो मैं आज आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूँ और हम लोग अपनी सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर हेमंत कुमार को इनवाइट करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर सर मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया है, प्लीज अब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे पार्टिसिपेंट्स को आज के बारे में कुछ बताएं और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। सर ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर विनोद सर एंड डायरेक्टर एनआईपीवीडी दास्तर and a whole organizing team. Thank you for giving me an opportunity. यहाँ पर मेरी नॉलेज है ये प्रोग्राम में आज लास्ट फेज है जैसा डॉक्टर विनोद सर ने भी बताया, और पहले के फेज में क्विज एंड गूगल डॉक्स एंड गूगल स्लाइड इन सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ है और उससे रिगार्डिंग आपको सभी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग दी गई है। आज हमको बात करनी है हाउ टू क्रिएट ऑटो सर्टिफिकेट, कैसे हम ऑटो सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे और पार्टिसिपेंट को सेंड कर सकते हैं इन द वेबिनार एंड द क्विज प्रोग्राम आल्सो। बेसिकली यदि हमको सर्टिफिकेट जनरेट करना है और पार्टिसिपेट को देना है तो ये किसी भी वेबिनार का या प्रोग्राम का बहुत टफ टास्क होता है, लेकिन इसको बहुत सिंपल बनाया जा सकता है विथ प्रॉपर आईसीटी टूल्स, बहुत इजली इसको किया जा सकता है। तो इसके लिए बेसिकली हम डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो बेसिकली हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला
तो सर्टिफिकेट, दूसरा क्विज या फीडबैक फॉर्म जिसके थ्रू आपको, जिसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है, और तीसरा सर्टिफिकेट को सेंड करने के लिए, ऑटो जनरेट करने के लिए आपको एक एड ऑन की जरूरत पड़ेगी। ये तीन चीजें बेसिक चाहिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा, फिर साथ साथ हम लोग चलते हैं। ओके, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रही है। ओके, तो हम गूगल जो सर्च पेज है वहां पे हम जाके, हम यहां से राइट साइड से जाके हम यहां पे गूगल डॉक्स में जा सकते हैं, जो कि आप पहले आप सीख चुके हैं। गूगल डॉक्स में जाने के बाद सिंपली, कल आप उन्होंने सीखा होगा, हम स्लाइड पे जा सकते हैं, बहुत इजी चीज है। और स्लाइड पे जाने के बाद हम एक न्यू टेम्पलेट लेते हैं, ब्लैंक। हाँ, ये न्यू टेम्पलेट आ गया। सिंपली मैंने आपको पहले बताया तीन चीजें करनी है। एक तो हमको सर्टिफिकेट चाहिए, जैसा सर्टिफिकेट हम देना चाहते हैं। सपोज यदि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम करा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा सर्टिफिकेट मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उस पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, लोगो एंड जो भी इंफॉर्मेशन मैं डालना चाहता हूं, मैं जैसे उसको डेकोरेट करना चाहता हूं वैसा हो। ऐसे तो ऑटो सर्टिफिकेट होते हैं टेम्पलेट वर्जन, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि सर्टिफिकेट देना चाहता है, तो एटलीस्ट वो चाहता है कि मेरा लोगो हो, कंटेंट हो, जो ऐसा मैं चाहूँ, जिस तरीके से चाहूँ, मैं बैकग्राउंड में अपना कोई इमेज डालना चाहूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन का, लोगो डालना चाहूँ, तो वो सारे फीचर। तो सिंपली हमें एक सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा, देन उसके बारे में आगे की बात करें। तो पहले सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए हम सिंपली गूगल स्लाइड पे जाते हैं। गूगल स्लाइड पे हम यहाँ पे जाके हम एक ब्लैंक फॉर्मेट ले सकते हैं। ये लेआउट में गए, लेआउट में जाके हमने एक ब्लैंक ले लिया, और यहाँ पे थीम्स दिखाए जा रहे हैं राइट साइड में, ये जो मैं रोटेट कर रहा हूं, यहां से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक थीम जैसा आपको जो इंटरेस्ट लगे, जो आपको अट्रैक्ट करे और जो आपके लिए परफेक्ट लगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इस थीम को ले लिया। अभी थीम लेने के बाद अब सिंपली हमको एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है। बेसिकली सर्टिफिकेट में क्या करते हैं, हम पहले एक लोगो देते हैं। ओके, तो हम लोगो देने के लिए यहां से जाके एक अपना लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोगो जनरेट यहां पर इंसर्ट करता हूं, ये आ गया। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी, जैसा भी हमको करना है, ये हमारा लोगो आ गया। देन अब जो भी चीज हमको इसमें मेंशन करनी है उसको हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम लिखता हूं, ये हो गया। देन इसको सिंपली हम फॉर्मेट अरेंजमेंट, जो फॉन्ट अरेंजमेंट है वो सारा कर लेंगे। देन जिस भी फॉन्ट में हमें बेस्ट लगे वो फॉन्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आपको सिंपली जो आप गूगल डॉक्स में आपने देखा होगा वहां से हम जाके इसको प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हैं। फॉन्ट को अपनी सुविधा अनुसार हम कुछ भी ले सकते हैं जो हमें सूट करे, जो परफेक्ट लगे। ओके, जैसे मैंने यहां पे ये ले लिया।
हम डेकोरेट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, जैसा हमें कलर फॉन्ट जो भी हमें स्टाइल लेना है हम यहाँ से जाके ले सकते हैं। हेमंत सर जी जी एक क्वेश्चन, हम जो अवेलेबल फॉन्ट है उसके अलावा दूसरे इंस्टॉल कर सकते हैं क्या इसमें? जो फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल उसके अलावा ऐसा बोल ले, उसके अलावा अगर दूसरे, हाँ तो जी हमको कैसा करना चाहिए? जी कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप यहाँ पे आप सिंपल पीपीटी होता है आप वहां पे भी जाके बना सकते हैं, आप वर्ड पे भी बना कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बनाते हैं और कैसे फॉन्ट लेते हैं। एक सर्टिफिकेट हम उसको चाहिए, आप वो गूगल ड्राइव पे आके स्लाइड पे बना ले या कहीं और बना ले, आप उसको जैसे भी बन कर सकते हैं, ये फ्रीडम हमारे पास है। यहाँ पे चूंकि यहाँ से इंसर्ट कराना बहुत इजी होता है, आप कहीं और भी बना के पीपीटी पे या वर्ड पे या आप माइक्रोसॉफ्ट आपका जो एक्सेस है उसपे पब्लिकेशन है उसपे बना के भी आप वहां से कर सकते हैं, ये फ्रीडम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इजी वे मैं आपको बता रहा हूँ जो एक ही जगह रहेगा और आसान रहेगा। तो ये हमने ऊपर कंटेंट डाल दिया, देन इसके बाद बेसिकली ये किसी भी सर्टिफिकेट पे ये कॉमन चीजें होती हैं जो आप डालेंगे अपने नाम अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम। देन इसके बाद हम एक और यहाँ पे बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे हम डाल लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, देन इसको भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। कलर देना चाहें तो हम कलर भी इसको दे सकते हैं, कोई सा भी कलर जो हमको सही लगे। ये अभी कलर आ गया, देन अब नीचे हमको मेन अपना टेक्स्ट देना पड़ेगा, इसमें हम लिख लेते हैं जो भी हमको सर्टिफिकेट में लिखा जाता है सिंपली, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सर्टिफाइड दैट डॉक्टर मिस्टर एंड मिस जो भी है, देन सिंपली हम यहाँ पे नाम लिखते हैं पार्टिसिपेंट का जो भी हो, दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर जो भी पार्टिसिपेंट है हैज पार्टिसिपेटेड इन अबव का जो भी प्रोग्राम है, सपोज वन डे नेशनल वेबिनार ऑन, सपोज आज का जो हमारा प्रोग्राम इसको ही रखते हैं, जनरेटिंग सर्टिफिकेट ऑन, आज की डेट डाल लेते हैं जुलाई 2020, सिंपली ये हमने डाल दिया जो मेरा कंटेंट होगा। इसको भी हमको वर्ड को अभी सेट कर लेना होगा, जिस फॉन्ट में हम देंगे उसी फॉन्ट पे वहां पे जाएगा, तो जो भी हमको फॉन्ट सुटेबल लगे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये फॉन्ट हमने ले लिया, फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं एंड फॉन्ट साइज जो हमें रखनी है हम यहाँ से उसको ले सकते हैं, और यदि इसको भी कलर करना है कुछ भी करना है तो सारे ऑप्शन हमारे पास है, देन पैराग्राफ सेटिंग जो भी आपको करनी है ये सारे सेटिंग्स हम कर लेते हैं। आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड में कलर दे सकते हैं बट मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार आप इसको कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा ये रेडी हो गया,
अब ये तो अंडर का फॉर्मेट हो गया, इसके बाद बेसिकली क्या होती है, नीचे अथॉरिटी पर्सन के सिग्नेचर होते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सपोज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, देन एक और हम कर देते हैं यहाँ पर कन्वेनर, वन मिनट यहाँ पे, हाँ ये हमने डाल दिया, यहाँ पे सिग्नेचर हम इंसर्ट करके कर सकते हैं इस तरीके से। एक सिंपल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया, और गूगल ड्राइव पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ऑटो सेव होता है, बस हमको यहाँ पे नाम दे देना है, हम फाइल का नाम दे देते हैं जनरेटिंग सर्टिफिकेट, जो हमारा टाइटल ऑफ द प्रोग्राम है। ये हमने इसको कर लिया, अब ये हमारा फर्स्ट टास्क हो गया सर्टिफिकेट, जो हम जैसा बनाना चाहें वैसा हम प्लान कर सकते हैं। ये मैं फास्ट चल रहा हूँ तो सिंपली मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ये हमारा सर्टिफिकेट हो गया। अब हमको सेकेंड स्टेज पे जाना होगा, गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म पे भी जाने के लिए हम जा सकते हैं सिंपली इस लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड ऑप्शन होता है, मैं इस साइड से चलता हूँ, गूगल डॉक्स को खोलते हैं, गूगल डॉक्स में आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहां से हम चले जाएंगे गूगल फॉर्म में, ये गूगल फॉर्म में मैं चला गया। एक ऐसे तो मैंने क्रिएट किया हुआ है, बट मैं दिखा देता हूं, एक सिंपल हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली मैं जो आज आपको जिस के थ्रू बताऊंगा वो एक्चुअली सर्टिफिकेट फॉर क्विज के लिए है, लेकिन हम उसको वेबिनार में सिंपली यूज कर सकते हैं उसके बेसिस पे। और वेबिनार में यदि हमें सर्टिफिकेट देना होता है तो हम जनरली ऐसा होता है कि हम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एंड एट द एंड हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक सिंपल फीडबैक फॉर्म लेते हैं या सिंपली असिसमेंट लेते हैं, देन उसके बाद हम सर्टिफिकेट की प्रोसेस करते हैं। तो हम फीडबैक फॉर्म के थ्रू सर्टिफिकेट जनरेशन कर सकते हैं। सपोज मैं इसको रख देता हूँ फीडबैक, वेबिनार फीडबैक, ये हो गया वेबिनार फीडबैक। देन फर्स्ट फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट तो नेम ही होगा, यहां से हम इसको पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ शॉर्ट आंसर पे ले लेंगे ताकि पार्टिसिपेंट अपना लिख सकते हैं, हाँ इसको कंपलसरी कर देंगे। देन सेकेंड, सेकेंड होगा नेम के बाद डिपेंड करता है इंपॉर्टेंट चीज क्या सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डिजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, डिजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड अगेन यहाँ पे सेम हम करेंगे शॉर्ट आंसर, और देन इसको हम यहाँ पे नेसेसरी में कर देंगे। देन ये दो बेसिक इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। देन इसके बाद तीसरा फीडबैक, हम फीडबैक मांग लेते हैं पार्टिसिपेंट से, जो भी पार्टिसिपेंट प्रोग्राम को होंगे एट द लास्ट उनसे हम फीडबैक मांग सकते हैं, इसको भी आप शॉर्ट आंसर में डाल सकते हैं, वो अपने फीडबैक दे सकते हैं। देन ये भी हम कंपलसरी कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हम कर लेते हैं सजेशन, तो भी शॉर्ट आंसर हमने ले लिया, यहाँ पे कंपलसरी करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। तो ये चार चीजें हमारी हो गई। अब इंपॉर्टेंट आता है सेटिंग, सिंपल हमने फॉर्म का कर लिया, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पिक्चर डालना चाहते हैं, अपने कोई फोटो डाल
बनाते हैं कुछ भी है, तो वो सिंपल सेटिंग आपको पता है, हम वहां से जाके भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ, चूज इमेज में जाके हमने सपोज ये एक इमेज ले लिया, आप चाहे तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का या कुछ भी आप एक वहाँ पे ले सकते हैं, इसको बहुत अच्छा गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, वो आपने सीखा होगा पहले। हाँ, अब इम्पोर्टेंट चीज आती है, अब जो सीखने की बात है वो यहाँ पे, हमको यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके एक तो हमको ये करते हैं कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आ जाए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ आते हैं क्विज में, इसको हमको क्विज का मार्क हम देते हैं। एक्चुअली हम जिस एड ऑन को यूज करेंगे वो उसकी सेटिंग इस क्विज बेसिस पे ही है, तो हम सिंपली क्विज भी बना सकते हैं यहाँ पे, या फीडबैक फॉर्म में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फीडबैक फॉर्म के थ्रू ही सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो एड ऑन मैं यूज करने वाला हूँ वो क्विज बेसिस पे, तो यहाँ पे हम क्विज का दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नीचे दे देंगे क्विज का हमें स्कोर उसको नहीं देना है, क्योंकि हमारे फीडबैक में कोई क्विज तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे टिक कर देते हैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ताकि वो क्विज का स्कोर का कुछ नहीं रहेगा। तो सिंपली हमें क्विज में जाके केवल यहाँ पे मार्क कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमारा ये गूगल फॉर्म रेडी हो गया। अब बात आती है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, वो है कि हमको सर्टिफिकेट कैसे हम सेंड करेंगे पार्टिसिपेंट को, और उस पर नाम फिलअप कैसे होगा, नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज कैसे आएंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हम यहाँ पे जो सेंड का ऑप्शन होता है इसके राइट साइड में ये थ्री डॉट्स बने हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो नीचे से सेकेंड आपको यहाँ पे मिलेगा एड ऑन, इस एड ऑन को आपको क्लिक करना है। एड ऑन को क्लिक करने के बाद जी सूट के मार्केट प्लेस पे आप पहुंच जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे एड ऑन आपको मिलेंगे। सिंपली मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सर्टिफाई एम है, ये सर्टिफाई एम आ गया, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये आ गया। हमें इस एड ऑन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, बहुत सारे और भी एड ऑन है, हम इसको यूज करेंगे, हम इस सर्टिफाई एम एड ऑन को इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल को दिखाएगा, ये इंस्टॉल करने के लिए हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं, कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, उसको हम प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, देन आप ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी, ईमेल आईडी मैंने ये दे दिया, देन ये कंफर्मेशन आएगा, अलाउ कर देते हैं। अभी ये आपका इंस्टॉल हो गया, डन कर देते हैं। तो ये हमारा एड ऑन सर्टिफाई एम अभी हमारा इंस्टॉल हो गया, जिसके थ्रू हम सर्टिफिकेट ऑटो सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, पार्टिसिपेंट को सेंड करेंगे, अभी ये प्रोसेस हो गया। देन वापस हमको अभी अपने फॉर्म पे आना पड़ेगा, पे जाने के लिए हम वापस जाते हैं, इसको यहां से हम बंद करते हैं, फॉर्म पे आ गए। अब यहाँ पे खास बात है कि जैसे हमने एड ऑन करके इंस्टॉल कर लिया, आप देखोगे ये आपका जो फॉर्म है, जो फीडबैक फॉर्म, यहाँ पे टॉप में ये जो सेंड वाला आइकॉन है, यहाँ पे देखेंगे एक नया आइकॉन जनरेट हो गया, ये एड ऑन का, ये पहले नहीं आएगा। एड ऑन या तो आपके में कोई एड ऑन इंस्टॉल है, या आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद ही ये एड ऑन का आइकॉन दिखेगा। अब यहां से मेन प्रोसेस हमारा शुरू होता है। इस एड ऑन को जनरेट होने के बाद आपको यहाँ पे एड ऑन पे क्लिक करना है, जो जो एड ऑन आपका इंस्टॉल हो दिखाएगा, हमने सर्टिफाई एम को किया, इसके थ्रू हमको प्रोसेस करना है, तो हम इसको क्लिक करते हैं, देन ये कई चीजें दिखाएगा, सो सर्टिफाई एम कंट्रोल, रिसेंट सर्टिफिकेट, अबाउट सर्टिफाई एम एंड हेल्प। अभी हमको कंट्रोल पे जाना होगा, इस फर्स्ट को, सो सर्टिफाई एम कंट्रोल। अब ये कंट्रोल पैनल खुलेगा, जहां से हम सारा कंट्रोलिंग सारा सेटिंग करेंगे, जिससे सर्टिफिकेट जनरेट होगा, पार्टिसिपेंट को सेंड होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमको देखना होगा यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए सबसे टॉप पे सर्टिफिकेट इज ऑफ, तो सबसे पहले हमें इसको ऑन करना होगा, ये हमने ऑन किया, फ्यू मोमेंट ये लेता है ऑन होने में, ये ऑन हो जाएगा तो वहां पे जैसे ये आइकन आपका लिख के आ जाएगा सर्टिफिकेट इज ऑन।
ये सर्टिफिकेट ऑन होने के बाद फिर आगे क्या प्रोसेस करते हैं, इसको सर्टिफिकेट ऑन करते हैं। हाँ, ये सर्टिफिकेट ऑन हो गया, सबसे पहला काम सर्टिफिकेट ऑन हो गया। देन ये सर्टिफिकेट रिकॉर्ड है, जो भी सर्टिफिकेट इस पार्टिसिपेंट को भेजेंगे सेंड करेंगे वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे एक एक्सेल शीट जनरेट होगी जिसमें सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट रिकॉर्ड हो गया। देन पासिंग मार्क्स, यदि आप क्विज बना रहे हैं तो यहाँ पे हमको पासिंग स्कोर देना होगा, कितने पासिंग स्कोर पे एंटेड है वो पास होगा, उसको सर्टिफिकेट इशू करना है, और फेल होगा तो उसके लिए। लेकिन फीडबैक बेसिस पे फॉर्म देने वाले हैं तो मैंने यहाँ पे पासिंग में 0% कर लिया। अदरवाइज यदि आप क्विज बना रहे हो, आप 10% 20% का क्विज बनाते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, तो क्विज का आपको आंसर देना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा, और देन यहाँ पे आपको पासिंग स्कोर देना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो पार्टिसिपेंट पास और फेल होगा। यदि पास होगा इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, देन उसको सर्टिफिकेट प्रोसेस होगा, उसको सर्टिफिकेट सेंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चूंकि हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम वेबिनार के फीडबैक फॉर्म के बेसिस पे सर्टिफिकेट जनरेट करने जा रहे हैं, तो पासिंग को हमने 0 कर दिया। देन टेम्पलेट, अब यहाँ बात आ गई सर्टिफिकेट की। तो इस एड ऑन फीचर में यह है कि बहुत सारे टेम्पलेट हैं, उनमें से किसी एक टेम्पलेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो टेम्पलेट होंगे ये जनरल टेम्पलेट होंगे, एक सिंपल जनरल जिसपे। लेकिन चूंकि यदि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सर्टिफिकेट जाए विद द लोगो नेम एंड अदर थिंग्स डिटेल, तो हम यहाँ पे टेम्पलेट न लेके हम सिंपल यहाँ पे जा सकते हैं यूज अ कस्टम टेम्पलेट। देन अब जैसे ही हम कस्टम टेम्पलेट पे करेंगे वहां पे जाके, ये यहाँ पे आ गया एक नया सेटअप, सेटअप योर ओन सर्टिफिकेट। ये खुद को बोला है कि अब आप अपना ओन सर्टिफिकेट सेटअप करिए, जो काम हमने पहले ही कर लिया था। फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बोला कि एक सर्टिफिकेट हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी जो हमने पहले करके रखा है। अब ये इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से सेलेक्ट अ न्यू फाइल, एक न्यू फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो वो जो हमने सर्टिफिकेट बनाया था ना फर्स्ट स्लाइड पे, उसको हम सेलेक्ट करेंगे यहां से जाके। जैसे हम यहाँ पे हमने किया, ये आ गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन नहीं आता तो आप टाइप कर सकते हैं सिंपली। तो प्रेजेंटेशन में देखिए, हमने वो जनरेट सर्टिफिकेट करके वो फाइल बनाया था, ठीक है, अभी टाइम भी दिखा रहा है, जस्ट हमने बनाया था, तो हम इसको यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। देन सेलेक्ट कर लिया, इसको सेव चेंजेस कर देंगे, ये प्रोसेस पूरा हो गया। अब देखिए यहां पे आ गया जनरेटिंग सर्टिफिकेट जो हमने स्लाइड बना के रखा था सर्टिफिकेट का। तो आप पहले से बना के रख सकते हैं, और वहां पे यहाँ पे हम इसको यूज कस्टम टेम्पलेट में जाके वहां से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखिए ये मेल के लिए है, ये जो सर्टिफाई एम एड ऑन है, ये वन डे में 100 पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट सेंड कर सकता है। तो वो यहाँ पे मेल शो करता है, एक दिन में 100 से ज्यादा हम इसको नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन है। यदि 100 से ज्यादा आपको इन सिंगल डे करना है तो उसके लिए अदर फिर दूसरे एड ऑन यूज किए जाते हैं। ये एक दिन में 100 करता है, वन डे 100, टू सेकेंड डे 100, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। देन मे बी शायद 1500 की लिमिट है ओवरऑल इस एड ऑन के थ्रू आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं सिंपली। तो अभी सीखने के लिए ये बहुत है, जिसको ज्यादा बल्क में करना हो तो फिर ऐसे ही दूसरे एडॉन्स अवेलेबल हैं। तो ये है, देन इसके बाद हम जाते हैं, हाँ यहाँ मोर में आते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा एडवांस। हेमंत सर एक तो नाम बताएं एडॉन के सर, जिसे हम ज्यादा भेज सकें, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा के लिए जो एडवांस है उनके नाम भी बोल दिए बहुत अच्छे थे। क्या चीज? जो 100 से ज्यादा भेजने के लिए एड ऑन आपने को इंस्टॉल करना होता है उनके नाम अगर आप बोले तो बहुत अच्छा था। हाँ, ऑटो क्रेडिट करके है, और भी है, मेरे बाद अभी दो और सर लोग हैं, नीरज जी हैं और अखिलेश सर हैं, वो उन्हीं में से एक दो एड ऑन को वो लेके आपको हेल्प करके बताएंगे। उनको बोलने दीजिए वक्ताओं को, उसके बाद एक समय रहेगा बातचीत करने का, आप उसको नोट कर ले अपने सवालों को, उस समय एक साथी रखे तो अच्छा रहेगा। अभी इस एड ऑन को हम देख लेते हैं, आगे नीरज जी और अखिलेश जी दूसरे एड ऑन को आपको देंगे, वो इसी चीजों को अपग्रेड करेंगे कि और कैसे वो बताएंगे मे बी, नहीं तो फिर लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे एडवांस में हम जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से सारी सेटिंग हमको करनी है। एडवांस को हम क्लिक करते हैं, ये एक नया आ गया, यहाँ पे सारी डिटेलिंग है। अब देखिए, यदि आप किसी ने फीडबैक फॉर्म को सबमिट किया तो उसको क्या मैसेज जाए, उसके स्क्रीन पे क्या मैसेज दिखे, वो यहाँ पे है। जो मैसेज आप यहाँ पे लिखेंगे वही मैसेज उसको दिखेगा आफ्टर द सबमिशन ऑफ फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ यू पास, ये क्विज के लिए है। मैं तो क्विज तो हम यहाँ पे कर नहीं रहे, तो हम इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपने अनुसार कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये हो गया थैंक यू योर सबमिशन, यू विल बी रिसीव अ प्रिंटेबल सर्टिफिकेट। तो प्रिंटेबल सर्टिफिकेट तो सुटेबल वर्ड नहीं है, ई सर्टिफिकेट कर देते हैं। यू विल बी रिसीव अ ई सर्टिफिकेट शॉर्टली, ये मैसेज जाएगा, ये मैसेज हमने सेट कर दिया। देन इसके बाद आगे भी है ईमेल ऑप्शन। अब जो ईमेल जाएगा उसका सेंडर कौन होगा और किस ईमेल के थ्रू जाएगा, ये इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे मैं सेंड करने वाला हूं, मैं सेंडर हूं, तो मुझे यहाँ पे अपना नाम डालना पड़ेगा ताकि वो ईमेल में नाम जाएगा। देन ईमेल डालना पड़ेगा, जिस तो क्योंकि जीमेल के थ्रू आपने किया है तो वो आपको मेल आईडी डालनी पड़ेगी। ये मेल आईडी हो गई। देन कंटेंट ऑफ बॉडी, आप क्या मैसेज डालना चाहते हैं, जो भी आपका मेल जाएगा उसका मैसेज क्या होगा, तो सिंपली आप लिख सकते हैं डियर पार्टिसिपेंट, क्योंकि ये कॉमन जाएगा सभी को। डियर पार्टिसिपेंट, थैंक यू फॉर participating in webinar, you will receive a certificate हम इसको करते हैं यू कैन डाउनलोड, क्योंकि ये मेल का मैसेज है। You can download the certificate in attachment. Mail के साथ ही अब certificate attach हो जाएगा participant. ये message हो गया, dear participant, thank you for participating in webinar. You can download the certificate in attachment. अब जैसा message चाहे जो भी वो detail कर सकते हैं। Then अब यहाँ पे certificate option, आप जो certificate send करना चाहते हैं वो किस format में जाए, तो ये एड ऑन दो बेनिफिट, दो फैसिलिटी देता है, पीडीएफ एंड इमेज। आप इमेज सर्टिफिकेट भी सेंड कर सकते हैं, पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पीडीएफ को सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में ही दिए जाते हैं, तो हमने वो सेट कर लिया। देन फिर ये है शेयर, आप किसके थ्रू, तो ईमेल के थ्रू हम शेयर करना है। गूगल ड्राइव के थ्रू भी यहाँ शेयर कर सकते हैं, लेकिन ईमेल बेस्ट वर्जन है, तो ईमेल के थ्रू। तो ये सारी सेटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने क्या किया, मैसेज आफ्टर सबमिशन ऑफ क्विज एंड फीडबैक, क्या मैसेज शो होगा स्क्रीन पे, देन उसके बाद उनको सर्टिफिकेट जाएगा तो किस ईमेल के थ्रू जाएगा, किसका सेंडर कौन होगा, देन क्या मैसेज होगा, ये सारा हमने सेटिंग कर लिया। पीडीएफ फॉर्मेट में होगा ये सेटिंग कर लिया, ये सारा। अब हम यहाँ पे इसको सेव चेंजेस में सेव कर लेते हैं। अभी ये सेव हो गया। पहले हमने सर्टिफिकेट क्रिएट किया, फिर हमने गूगल फीडबैक फॉर्म क्रिएट किया, फिर सर्टिफाई एम एड ऑन को डाउनलोड किया, इंस्टॉल करके फिर उसमें जो भी सेटिंग्स हमें देनी है वो सेटिंग्स दे दिया। अब हमारा काम ओके हो गया। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि सर्टिफिकेट जाता कैसे है। सिंपली सपोज मैं इसको फॉर्म क्वेरी भरता हूं तो मुझे सर्टिफिकेट जाना चाहिए, ट्राई करते हैं।
सबसे पहले ईमेल डालना होगा, मैं दूसरा ईमेल डालता हूं ताकि वहां पे जाए। देन नेम, जो नेम यहाँ पे टाइप होगा वही नेम सर्टिफिकेट पे जाएगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन आप लिख भी सकते हैं फीडबैक फॉर्म में, पार्टिसिपेंट को बोल भी सकते हैं जिस नेम से उनको सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे जो नेम होगा स्मॉल लेटर बोल्ड लेटर एंड जो भी आप मिस्टर लगाना है डॉक्टर लगाना है वो सारी चीजें वैसे ही जाएंगी जो भी पार्टिसिपेंट फिलअप करेंगे फीडबैक फॉर्म में। ये बहुत बेनिफिट है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा सर्टिफिकेट पे करेक्शन है नेम में गलत है, जैसा जो फिलअप करेगा वैसा ही उसको सर्टिफिकेट पे प्रिंट होकर मिलेगा। देन यहाँ पे डिजिग्नेशन और ऑर्गेनाइजेशन वो भी जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपना कर देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम मैं कर देता हूं, जो भी चीज सर्टिफिकेट पे पार्टिसिपेंट को चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे उसको मेंशन करना पड़ेगा। ये मैंने कर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी गांधीनगर गुजरात सिंपली। देन फीडबैक, फीडबैक में पार्टिसिपेंट को फीडबैक देना होगा जो भी उसका फीडबैक है प्रोग्राम रिलेटेड, मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ नाइस। एंड सजेशन जो भी पार्टिसिपेंट हो सिंपली मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमने मैंने एज अ पार्टिसिपेंट मैंने ये फीडबैक फॉर्म भरा, ईमेल नेम डिजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक सजेशन। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद देखिए ये मैसेज आपको दिखेगा जो मैंने मैसेज वहां पे पीछे सेट किया था, थैंक यू फॉर योर सबमिशन यू विल रिसीव अ ई सर्टिफिकेट शॉर्टली, ये स्क्रीन पे पार्टिसिपेंट को दिखेगा। अब जो पार्टिसिपेंट ने जो भी ईमेल आईडी अपना मेंशन किया है जिससे वहां पे ये फॉर्म उसको जाएगा। अब मैं अपने ईमेल आईडी पे चलता हूं जहां पे मुझे सर्टिफिकेट जाना चाहिए, होपफुली देखता हूं गया या नहीं गया। ओके तो ये एक मेल अभी आया है, ये देखिए आया, ये मुझे मेल आ गया डियर पार्टिसिपेंट जो मैंने वहां पे टाइप किया था सेट किया था, डियर पार्टिसिपेंट थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन इन वेबिनार यू कैन डाउनलोड ई सर्टिफिकेट इन अटैचमेंट, ये क्लियर करके आ गया। जो भी आप वहां पे टाइप करोगे मैसेज को वो आ गया। और यहाँ पर देखिए अटैचमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अटैचमेंट, ये मेरा आ गया सर्टिफिकेट। हम प्रीव्यू में देखते हैं ऐसा सर्टिफिकेट, सॉरी सर्टिफिकेट तो आ गया, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर्टिफिकेट तो आ गया लेकिन यहाँ पे नाम नहीं आया किसके नाम से क्या है, ये गलती कहाँ हुई मैं आपको दिखाता हूं। जो हमने सर्टिफिकेट जनरेट किया था ना यहाँ पे हमें कोडिंग डालना पड़ेगा ताकि पार्टिसिपेंट का नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऐड हो जाए जो भी हम ऐड करना चाहते हैं सिंपली। तो यहाँ पे मैंने वो कोडिंग करना मैं सोचा आपको बाद में बताऊंगा और वो वहां पे मिस हो गया, यहाँ पे हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो पार्टिसिपेंट का नाम ऑटो जनरेट करने के लिए मुझे ये कोडिंग देनी पड़ेगी, फुल नेम ये हो गया, देन दूसरा उसका ऑर्गेनाइजेशन का भी मुझे देना है तो उसके लिए करना पड़ेगा अदर आइडेंटिफायर, ये कोडिंग है फुल नेम अदर आइडेंटिफायर। अब यहां पे फुल नेम में नेम ऐड हो जाएगा, अदर आइडेंटिफायर में मैंने दूसरा नेम के बाद क्या ऑप्शन रखा था डिजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो यहां पे आ जाएगा। आपको जो भी वहां पे रखना है फुल नेम के बाद आप वहां पे रखेंगे वो यहां पे अदर आइडेंटिफायर में वो ऐड होके आएगा। और एक और खास बात, यदि आप सर्टिफिकेट नंबर भी जनरेट करना चाहते हैं तो इसमें वो भी बेनिफिट है, सर्टिफिकेट नंबर भी आप कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक अलग से यहाँ पे हमको डाल लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना चाहता हूँ तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी कोडिंग देनी पड़ेगी
सर्टिफिकेट आईडी, ये हमने डाल दिया सर्टिफिकेट आईडी कोडिंग। तो फुल नेम ऐड होगा, अदर आइडेंटिफायर में ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेशन आ जाएगा एंड यहाँ सर्टिफिकेट आईडी आ जाएगा। खास बात है यहाँ पे जो फुल नेम है इसको आप अलग फॉन्ट में करना चाहते हैं, सपोज बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अलग फॉन्ट में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेटिंग अभी करना पड़ेगा। सपोज मैं इसे इटैलिक करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको इटैलिक अभी कर दिया, बोल्ड ऑलरेडी है, फॉन्ट आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ये हो गया। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो सर्टिफिकेट नंबर हो जनरेट करना है आपको, वो आपको जैसा करना है, मैं इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है फुल नेम के लिए कोडिंग, देन अदर आइडेंटिफायर जिसमें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजिग्नेशन ऐड होगा, एंड देन सर्टिफिकेट नंबर, ये तीन हमने यहाँ पे सेट कर दिया और ये ऑटो सेव हो चुका है ऑलरेडी। अब फिर से हम फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, सारी सेटिंग वैसे ही है, मुझे फिर से सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट पे एक बार ये सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, फुल नेम, अदर आइडेंटिफायर, सर्टिफिकेट आईडी, ये तीन कोडिंग मैंने कर ली, फॉर्म रेडी है, रेडी नहीं तो रेडी कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाके मैं इसको फॉर्म को फिलअप करता हूँ, बाकी सारी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी हम फॉर्म फिलअप हम फिर से करते हैं, फिर देखते हैं सर्टिफिकेट जाएगा। ईमेल आईडी हो गया, देन नेम, डिजिग्नेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम करना है, ये हो गया। ये हो गया मेंशन, देन फीडबैक में आप जो भी जैसा लिखना चाहे, देन सजेशन में हमने कर दिया और ये फॉर्म को सबमिट किया। फिर वही मैसेज वैसा ही लिख के आएगा जो भी पार्टिसिपेंट इसको करेंगे। मेल देखते हैं मेल गया कि नहीं गया, ये तो पुराना मेल है, हाँ अभी मेल अभी आया है, अभी नहीं आया है, अभी आएगा। इसको रिप्लेस होना पड़ेगा, ये आया, ये मेल खोलते हैं, अभी देखते हैं नेम ऐड हो क्या आया कि नहीं, सर्टिफिकेट ये मैसेज तो ओके है, परफेक्ट है, सर्टिफिकेट भी अटैच है। रिव्यू में चलते हैं, सर्टिफिकेट देखते हैं, ओके गुड फाइन आ गया। ये देखिए ये सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, दिस इज सर्टिफाइड है डॉक्टर मिस्टर मिस जो भी है, हेमंत कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर आईआईटी गांधीनगर गुजरात, हैज पार्टिसिपेटेड इन वन डे नेशनल वेबिनार ऑन जनरेटिंग सर्टिफिकेट ऑन 10 जुलाई 2020। ये देखिए इटैलिक मैंने दिया, इटैलिक आया, जिस भी फॉन्ट में आप जैसा देना चाहें। और ये देखिए नीचे सर्टिफिकेट नंबर आ गया, मैंने वहां पे कलर भी दिया था तो वो कलर के साथ ऐसा सर्टिफिकेट नंबर आ गया, जो भी करना चाहें। ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का नंबर, मैंने सिग्नेचर नीचे कुछ ऐसा नहीं डाला था, तो वो भी डाल सकते हैं। अभी देखिए ये ऑटो सर्टिफिकेट आ गया, आप 10, 20, 50, 100 इसकी लिमिट है, 100 से अंदर ही आप जितने लोगों ने ये फीडबैक भरा उतने लोगों को ऑटो, कितना टाइम लगा, विद इन मिनट, नेट पे डिपेंड करेगा, यदि नेट अच्छा है तो मिनट 30 सेकेंड के अंदर एक सर्टिफिकेट जनरेट होकर ऑटो पार्टिसिपेंट के मेल पे चला जाएगा विद इन मिनट, और वो तुरंत उसे जनरेट कर सकता है। जितना अच्छा आप सर्टिफिकेट जनरेट करें, ये भी सर्टिफिकेट बुरा नहीं है, जितना फास्ट हम लोगों ने किया इस ऐसा एक सर्टिफिकेट हम जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो सिंपली ये आपका एड ऑन, हाँ एक और मैं चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो सर्टिफाई एम था, अब देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड में दिखाएगा किसको किसको सर्टिफिकेट गया, दो बार मैंने अप्लाई किया तो दोनों बार का दिखाएगा,
ये देखिए ये सर्टिफिकेट आईडी यहाँ पे आ जाएगी। इट मीन्स फॉर अ ऑर्गेनाइजर, यदि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैंने जितने लोग को सर्टिफिकेट भेजा वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। इस फाइल को मैं डाउनलोड करके सेव करके रख सकता हूँ विथ रिकॉर्ड, किसको किसको सर्टिफिकेट जनरेट हुआ और सर्टिफिकेट आईडी क्या क्या है, वेल मेंटेन रिकॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा, जिसको कि हम कॉपी करके सेव करके परमानेंटली रख सकते हैं अपने पास। इस तरीके से सारी डिटेलिंग हो जाएगी। ये मैंने अदर आइडेंटिफायर का कोड डाला था, फुल नेम अदर आइडेंटिफायर, तीसरे नंबर पे मैंने डाला नहीं। तीसरे नंबर पे आपको कुछ और डालना है, तो जो मैंने वहां पे फीडबैक डाला था, आप उसके लिए सर्टिफिकेट में आपको अदर आइडेंटिफायर टू करके कोडिंग डालनी पड़ेगी, तो वो तीसरा वाला भी आएगा, उसकी जरूरत हमें नहीं थी। और यदि क्विज होता तो यहाँ पे स्कोर आता, यदि हम वहां पे स्कोर देते, हम ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कुछ ऐसा करते और पॉइंट मेंशन करते तो गूगल फॉर्म के थ्रू, तो वो जो भी स्कोर होता वो स्कोर यहाँ का आता पार्टिसिपेंट का, और उसके बेसिस पे उनके परसेंट आते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एड ऑन के थ्रू सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं सर्टिफाई एम एड ऑन के साथ, और ये इसकी लिमिट वही 100 की है। सेकेंड डे हम कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे इसको हम कर सकते हैं। तो फिर से मैं बता दूं क्या क्या बेसिक चीजें हैं। एक तो आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा, आप गूगल ड्राइव पे जाके स्लाइड में कर सकते हैं, पीपीटी पे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पब्लिशर जो भी ऑप्शन है आपके पास, इमेज में जैसे भी आप ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। बस वहां पे आपको वो कोडिंग देनी पड़ेगी, कॉमा ब्रैकेट में फुल नेम, देन द अदर आइडेंटिफायर, देन आपको सर्टिफिकेट आईडी नंबर चाहिए तो वो हो जाएगा। देन गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, गूगल फॉर्म में आपको जाके सेटिंग में जाके क्विज का ऑप्शन आपको ऑन करना है, भले ही क्विज नहीं है फीडबैक फॉर्म में, लेकिन क्विज को ऑन करना होगा और स्कोरिंग को हम हटा देंगे और यहाँ पे पासिंग परसेंट जीरो कर देंगे। इसमें सर्टिफाई एड ऑन में पासिंग इसको जीरो कर देंगे, यहाँ से सर्टिफिकेट को इंसर्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जो सर्टिफिकेट हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे इस टेम्पलेट ऑप्शन में जाके। देन एडवांस में जाके हमें क्या मैसेज शो करना है, ईमेल का मैसेज क्या होना चाहिए और सेंडर का नेम और ईमेल क्या होना चाहिए, वो सारा हम एडवांस में जाके सेटिंग में कर देते हैं। इसके बाद ये हमारा प्रोसेस हो जाता है। फिर जैसे ही पार्टिसिपेंट इस गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू जाके फीडबैक फॉर्म को सबमिट करेगा, उसे मैसेज दिखेगा और उसके मेल पे विद इन मिनट उसको सर्टिफिकेट सेंड हो जाएगा। और सपोज किसी एरर से भी सर्टिफिकेट सेंड नहीं हुआ तो आप यहाँ पे जाके, सपोज बीच में नेट कनेक्शन कट गया, कुछ ऐसा हो गया कि आपने कुछ लोग को गया कुछ लोग का रुका है, तो आप यहाँ पे जाके सर्टिफाई में जाइए, तो ये तो सो सर्टिफाई एम कंट्रोल जिसपे हम सारा काम कर रहे थे, इस पर रीसेंट सर्टिफिकेट होता है। किसी का सर्टिफिकेट रीसेंट करना है तो आप यहां से जाके रीसेंट में जाके उसको सर्टिफिकेट रीसेंट कर सकते हैं। देखिए वो मैंने किया, यहाँ पे रीसेंट का ऑप्शन आएगा। देखिए ये मैंने दो बार भरा था, दो बार मुझे गया। यहाँ पे किसी को रीसेंट करना है तो रीप्रोसेस का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर देंगे रीप्रोसेस, वो फिर से उनको सर्टिफिकेट चला जाएगा। जिसका भी इरर है, प्रॉब्लम है, नहीं जा पाया, नेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई, तो हम यहाँ पे रीसेंड कर सकते हैं, ये बेनिफिट इसमें है। तो यहाँ से सर्टिफाई एम में एक तो कंट्रोल हो गया, री सर्टिफिकेट हो गया, रीसेंड कर सकते हैं हम। और बाकी डिटेलिंग वो कोडिंग मैंने आपको तीन बताया, उसके अलावा और भी कोडिंग है, और भी कुछ आपको करना है तो और भी आप अबाउट सर्टिफाई एम में जाके इन डेप्थ में इन डिटेल वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसे यूज करके और आप मास्टरी एड ऑन में ले सकते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मेट है, बाकी सेटिंग आपके ऊपर है, आप कितना प्रॉपर सर्टिफिकेट डिजाइन करते हैं, कितना अच्छा उसको ड्रॉ करते हैं, कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो आपके ऊपर है। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑटो सर्टिफिकेट विद द एड ऑन ऑफ सर्टिफाई एम। तो आई थिंक मेरा समय भी बहुत हो गया और इतना काफी है मेरे लिए जो मुझे बताना था, और होप आप लोग इसको सीख पाए होंगे। और मुझे बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर विनोद कुमार केन सर है क्या, मैं देख पा रहा हूँ लिस्ट में उनका नाम है, किसी टेक्निकल लगता है प्रॉब्लम हुई है, वो दिख नहीं रहे, इसलिए मैंने बीच में उनके बदले ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बिना समय गवाए अगले वक्ता के रूप में जो डॉक्टर नीरज अरोड़ा सर हैं उनको इन्वाइट करना चाहता हूँ कि सर आए, आप भी सर्टिफिकेट किस तरह से बनाए जा सकते हैं और मल्टीपल सर्टिफिकेट किस तरह से जनरेट या सेंड किया जा सकता है, इस संबंध में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि कैसे मल्टीपल सर्टिफिकेट्स जनरेट
प्रोड्यूस और सेंड किए जा सकते हैं। पंकज जी, पार्टिसिपेंट के लिए मैं रहूंगा, हमको यदि लास्ट में कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं लास्ट का 10-20 मिनट बचेगा ही और हम लोग उन सबके लिए सवालों के लिए रखेंगे। बिल्कुल नीरज अरोड़ा सर। सर थैंक यू सर, पंकज सर, मैं नीरज अरोड़ा और आपको बिना कोई समय गवाए डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे ही मैं लेके जाता हूँ। प्रेजेंट नाउ कर रहा हूँ मैं, मेरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपसे। विजिबल है सर? इज इट विजिबल? यस सर। ओके, तो हम लोग जैसा कि हेमंत सर ने भी बताया कि कैसे आप ई सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं, तो उसी को ही थोड़ा बहुत एलोबरेट करके मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि हम लोग ई सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं उसको और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हम लोग इसमें ई सर्टिफिकेट को क्रिएट करना सीखेंगे सबसे पहले, फिर उसको कैसे एडिट किया जा सकता है ये सीखेंगे, और फिर उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास 100 यूजर्स हैं या 100 पार्टिसिपेंट है, तो उसको एक साथ में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस सर्टिफिकेट को, और ये पूरा पूरा जो प्रोसेस होगा वो ऑटोमेशन से होगा। हम ऐसे नहीं कि एक एक बंदे को जो है एक एक पार्टिसिपेंट को मेल भेजने बैठेंगे, ये पूरा पूरा जो प्रोसेस होगा वो पूरा ऑटोमेशन पे बेस्ड होगा। तो इस चीज को हमको करने के लिए जो टूल्स जो रिक्वायर्ड है हमको, वो सबसे पहला जो टूल्स है वो है गूगल फॉर्म। जैसा कि हेमंत सर ने भी बताया है कि हम लोगों को अगर रेस्पोंडर से रेस्पॉन्स लेना है, यानी कि जो इनपुट लेना है, जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, उसका क्या डेजिग्नेशन है, ये सब उससे अगर लेना है हमको, तो हमारे को जो टूल यूज में आएगा वो होगा गूगल फॉर्म्स। फिर उसके बाद में जो टूल्स अपने पास यूज आएगा, जो रेस्पॉन्स आएंगे रेस्पोंडर के या पार्टिसिपेंट के, उसको हम गूगल शीट की मदद से उसके अंदर सेव करेंगे। सबसे इसके नेक्स्ट जो टूल है वो गूगल शीट की मदद से उसमें सेव करेंगे। फिर हमको ई सर्टिफिकेट को डिजाइन अगर करना है तो गूगल स्लाइड की मदद से हम उसको डिजाइन करेंगे, और हमको जब डिस्ट्रीब्यूट करना है ई सर्टिफिकेट और ये पूरा पूरा प्रोसेस अगर ऑटोमेशन होना है, तो ये गूगल शीट का एक एड ऑन आता है जिसका नाम है ऑटोक्रेड, तो इसका हम यूज करके पूरा ऑटोमेशन प्रोसेस करके और पूरा जो है जितने भी पार्टिसिपेंट है आपके पास में उसको हम ई सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो ये कुछ फ्लो चार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे फॉर्म को गूगल फॉर्म की मदद से, रेस्पॉन्सेस को कलेक्ट करेंगे गूगल शीट की मदद से, डिजाइन करेंगे ई सर्टिफिकेट को गूगल स्लाइड की मदद से, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ई सर्टिफिकेट को ऑटो क्रिएट की मदद से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हैंड्स ऑन अपना। तो हैंड्स ऑन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम हमारी ड्राइव खोल लेंगे। ड्राइव खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, drive.google.com लिखना पड़ेगा URL के अंदर। एंटर जब भी हम करेंगे, तो अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा गूगल अकाउंट से, और तो मेरे तो यहाँ पे लॉगिन हो रखा है, तो मेरे को कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए मेरे पास में ऑप्शन यहाँ पे न्यू है, न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, मोर में जाऊंगा, गूगल फॉर्म में जाऊंगा, गूगल फॉर्म से मैं ब्लैंक फॉर्म के अंदर चला जाऊंगा। ओके, तो जैसे ही मैं ब्लैंक फॉर्म ओपन करता हूं, तो एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसका नाम अनटाइटल्ड फॉर्म है। इस फॉर्म का मैं नाम दे देता हूं, सपोज करिए मैं यहाँ पे दे देता हूं इसका नाम डमी सर्टिफिकेट फॉर्म। ओके, तो आप देखेंगे कि इसका जो टाइटल है वो भी, जो नेम है फॉर्म का वो सेम ही हो जाता है अपना भी ऑटोमेटिकली। इसमें फॉर्म का डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं मैं, तो फॉर्म का डिस्क्रिप्शन ऐसे दे सकता हूं, प्लीज एंटर द डिटेल करेक्टली। फिर सबसे पहले जो सर्टिफिकेट के अंदर मेरे को चाहिए वो पार्टिसिपेंट का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम क्वेश्चन के अंदर एंटर करता हूँ, और इसका जो आंसर टाइप होगा वो शॉर्ट आंसर ही होगा, और ये रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जब मैंने इसको रिक्वायर्ड कौन किया है तो पार्टिसिपेंट इसको भरे बिना फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा मैं,
उसका मैं डेजिग्नेशन लेना चाहता हूँ या ईमेल एड्रेस लेना चाहता हूँ, तो ईमेल लिख दूंगा यहाँ पे मैं। ये भी एक शॉर्ट आंसर टाइप ही होगा जो कि अपना आप ही सिलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट जो फील्ड है जो मैं लेना चाहता हूँ उसका डेजिग्नेशन लेना चाहता हूँ, तो डेजिग्नेशन एंटर करूंगा और ये भी एक शॉर्ट टाइप का ही होगा। हम ईमेल को भी रिक्वायर्ड कर देंगे क्योंकि ईमेल के बिना हम उसको सेंड कैसे करेंगे, तो ईमेल भी रिक्वायर्ड है और उसका डेजिग्नेशन भी, डेजिग्नेशन को ऑप्शनल कर देते हैं, अगर वो भरना चाहता है तो भरे और नहीं भरना चाहता है तो नहीं भरे। तो हम लोग जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर दो चीजें हमको मेनली चाहिए, और भी आप मंगा सकते हैं रेस्पॉन्डर से, लेकिन इस वक्त हमारे पास में हमको दो ही चीजें चाहिए, एक तो उसका नाम और एक उसका ईमेल एड्रेस। नाम इसलिए कि जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसमें नाम एंटर होगा, और ईमेल इसलिए क्योंकि हमको उसके ईमेल आईडी पे सेंड करना है उसको। तो इसको हम देख लेते हैं, प्रीव्यू से हम इसको देख सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियसली बता रखा है, हेमंत सर ने भी डिस्कस कर रखा है। तो प्रीव्यू में इसको देखेंगे तो हमारे को फॉर्म इस तरह का दिखाई देगा, राइट। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्म को आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं जो है वो आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप फटाफट इसको भर दीजिएगा ताकि मेरे पास यहाँ पे रेस्पॉन्सेज आए। तो मैं चैट बॉक्स में आके डाल रहा हूँ ये, तो आप फटाफट इसको भरे ताकि मेरे पास रेस्पॉन्सेज आए। और तो जब तक मैं आपको जो है ये फॉर्म आप फिलअप करें, जब तक मैं इसको डिजाइन कर लूंगा। डिजाइन के लिए जैसा मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग जो है वो गूगल स्लाइड की मदद से फॉर्म को डिजाइन करेंगे, तो गूगल स्लाइड को ओपन करने के लिए वापस मैं ड्राइव के अंदर ही जाऊंगा, ड्राइव के अंदर वापस न्यू पे जाऊंगा, न्यू से मैं गूगल स्लाइड पे क्लिक करूंगा, गूगल स्लाइड पे मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा तो गूगल स्लाइड का ये जो बेसिक लेआउट है यानी कि जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाई देगा। इसमें मैं डिजाइन करना चाहता हूँ एक सर्टिफिकेट, तो इसमें जो भी मेरे को दिखाई दे रहा है जो पहले, उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा, या फिर आप इसमें टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं थीम से, जैसा कि हेमंत सर ने बताया था। दूसरा एक और तरीका यह है कि इसमें आप बैकग्राउंड खुद का ही सेट करें। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज बैकग्राउंड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इसके अंदर, तो बैकग्राउंड के लिए तीन ऑप्शन हमको देता है। एक तो उसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, एक मैं उसमें इमेज डाल सकता हूँ, और मैं रीसेट कर सकता हूँ उस थीम को। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास इमेजेस हैं पहले से ही अवेलेबल है, मैंने गूगल ड्राइव पे इसको सेव कर दिया है। तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ इमेज को, तो इमेज को जैसे ही मैंने चूज किया तो मेरे पास ड्राइव में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, और इसमें मेरे पास border2.jpg नाम से एक जो है बैकग्राउंड अवेलेबल है। तो इस पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे जो है टेम्पलेट, इसका बैकग्राउंड जो है वो टेम्पलेट जो है वो इस तरह से सेट हो जाता है। अब मेरे को यहाँ पे टॉप के अंदर अपने यूनिवर्सिटी का नाम या जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, वो नाम लिखना है आपको। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट के अंदर जाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जब भी आपको कोई टेक्स्ट लिखना होगा तो आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, उसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जब भी आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। कि हम लोग यहाँ पे कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं। अभी हम डमी यूनिवर्सिटी फॉर टेस्ट नाम से दे देते हैं कोई, और सिटी का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे नाम आएगा वो आप दे सकते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर कर दूंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा नाम को ताकि ये पूरा दिखाई दे। इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, तो बोल्ड कर दूंगा और इसको सेंटर में ले आऊंगा। और इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर दूंगा मैं। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट कलर एक ऑप्शन है,
और टेक्स्ट कलर से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको मैं न्यू टाइम्स रोमन कर दूंगा, तो न्यू टाइम्स रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, तो ये पूरा जो है वो सेलेक्ट हो गया। और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसको हम। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे दो जो है लोगो लगे, एक तो इस साइड में लगे और एक आपके लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड के अंदर लोगो लगे। तो लोगो सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वैसे ही इंसर्ट के अंदर जाऊंगा, इमेज के अंदर जाऊंगा, और क्योंकि मेरे पास ड्राइव में वो सेव्ड है तो ड्राइव के अंदर जाके और जो है लोगो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। तो इसको सेलेक्ट करके और इंसर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि एक लोगो जो है वो आ गया है। आप अपना यूनिवर्सिटी का लोगो लगा लेगा, ये सिर्फ मैंने डेमो के लिए जो है एक लोगो लगाया है यहाँ पे। इसको रीसाइज भी कर सकते हैं आप थोड़ा सा, तो रीसाइज हमने कर दिया और यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। एक और लोगो लगाना चाहता हूँ मैं राइट हैंड साइड के अंदर, आपके राइट हैंड साइड के अंदर, तो इंसर्ट में जाऊंगा मैं, इमेज में जाऊंगा, वही प्रोसेस वापस फॉलो करूंगा। ड्राइव में मेरे पास सेव है ये और लोगो मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे, तो ये लोगो एक और इंसर्ट हो गया। इसको भी रीसाइज करके और इस साइड में लगा दूंगा, राइट, थोड़ा सा इसको जो हमने जो सर्टिफिकेट के अंदर दे रखा था वो ईमेल में मैंने क्या किया था कि सेट एज ए नंबर हो गया था, तो कई लोगों का ईमेल एड्रेस जाए तक जा नहीं पा रहा है, तो उसको अभी मैंने टेक्स्ट कर दिया है, तो अब आप भरेंगे तो ईमेल जो है वो इंसर्ट होना हो जाएगा। तो अब आप ट्राई कर सकते हैं, 5 रेस्पॉन्सेज आ गए हैं मेरे पास में, तो नंबर की जगह आप जो है वो ईमेल एड्रेस भरें प्लीज, वापस आप फॉर्म सेंड करें और आप ईमेल की जगह पे नंबर की, अब आप वापस ईमेल एड्रेस भरें प्लीज, ओके। तो हम लोग यहाँ पे एक और सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सपोज कर लो कि ए वन डे वेबिनार लिखना चाहते हैं इसके नेक्स्ट लाइन के अंदर, तो हम इंसर्ट में जाएंगे और वैसे के वैसे ही हम लोग जो है वो टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स ए वन डे वेबिनार ऑन ई सर्टिफिकेट, इसको भी हम लोग जो है वैसे के वैसे अलाइनमेंट कर देते हैं, सेंट्रली अलाइन हो जाएगा ये, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर में जाके वैसे वो के वही प्रोसेस वापस आपको करना है। तो ये हो गया आपका वन डे वेबिनार। नेक्स्ट में आपको देना है कि सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन लिखना है यहाँ पे, वैसे के वैसे ही आप इंसर्ट में जाएंगे सबसे पहले, फिर टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स से आप जो है वो वापस यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे पार्ट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, इसको ऐसे कर दिया। वैसे वैसे इसको हम अलाइनमेंट को सेंटर कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका जो है वो फॉन्ट चेंज कर देंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे फॉन्ट को, और इसको हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देंगे, तो ये सर्टिफिकेट दिखने लगा आपको। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है कि ये सर्टिफिकेट किसको जाना है और इसका जो मैटर होता है अंदर का वो हमको यहाँ से लिखना है, तो ये हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो मेरे पास पहले से ही बना हुआ है ये मैटर, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, और इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ से इसको कंट्रोल वी कर दिया। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि यहां पे देखो लिखा हुआ है दिस इज सेटिस्फाइड सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेस डॉक्टर, और ये देखो आप यहां पे कुछ अलग चीज लिखी हुई है, यहां पे लेस देन नेम ग्रेटर देन लिखा हुआ है, जैसा कि वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हेमंत सर बता रहे थे ऑटोक्रेड के अंदर, ये जो है ये जो टैक्स ये टैक्स कहलाते हैं, यानी कि यहां पे ये डायनेमिक टैक्स आएगा, यहां पे नेम वो आएंगे जिस जिसने फॉर्म भर चुका है और जिसकी ईमेल आईडी करेक्ट है, वो नेम आएंगे। जैसे मान लो कि 5 लोगों ने अगर नाम भरा है अपना, तो पहला जो सर्टिफिकेट जाएगा वो नीरज अरोड़ा का जाएगा, दूसरा अगर मान लो दूसरा कंटेस्टेंट है तो पार्टिसिपेट टू का नाम यहाँ पे आ जाएगा, 3 का नाम आ जाएगा, ये डायनेमिकली लिंकिंग होगा और इसको हम बोलेंगे टैग, राइट। तो ये टैग अपन को यहाँ पे बनाना पड़ेगा जब भी हम डायनेमिक कोई भी टैक्स दे रहे हैं यहाँ पे,
तो टैग बनाने के लिए हमको लेस देन सिंबल लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे टैग का नाम सपोज कर लो हमने यहाँ पे नेम दे दिया है, फिर ग्रेटर देन सिंबल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑर्गेनाइजर है उनके सिग्नेचर और उनके नाम होंगे, तो इसके लिए हम वापस वही टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सपोज कर लो पर्सन वन, और ये ऑर्गेनाइजर है, और ऐसे कैसे ही इसको भी हम लोग जो है वो सेंट्रली अलाइन कर लेंगे, और इसको इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ऐसे कैसे हम लोग जो है एक और ऑर्गेनाइजर टू है सपोज कर लो, तो यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजर टू को लिख लेंगे, तो पर्सन टू और ऑर्गेनाइज, ओके, ये दो जने हैं जो कि ऑर्गेनाइजर है। इसको भी हम जो है वो 16 पॉइंट कर लेते हैं, इसका भी टेक्स्ट जो है, ताकि दोनों में सिमिलरिटी रहे। अब इस फॉर्म को, इस फॉर्म के अंदर हमको यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं, तो दो तरीके हैं सिग्नेचर अपलोड करने के। पहला जो तरीका है वो तो है कि आपके पास इमेज अवेलेबल हो, तो यहाँ पे आप इंसर्ट इमेज से जो है वो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। नहीं तो एक और दूसरा तरीका बहुत अच्छा एक तरीका है इसके अंदर, जिससे कि आप यहाँ पे डायरेक्टली सिग्नेचर पुटअप कर सकते हो आप अपने। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन है लाइन, लाइन के अंदर एक ऑप्शन है स्क्रैबल। स्क्रैबल पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे मैं उसके जो भी पर्सन वन है उसके साइन मैं कर सकता हूं, या जो भी पर्सन वन है वो साइन कर सकता है यहां पे। तो सपोज कर लो कि मैंने इस तरह की साइन कर दिया है, थोड़ा सा इसको तो वापस मैं स्क्रैबल पे जाता हूं और यहां पे मैं साइन करता हूं, तो आप देखेंगे कि यहां पे साइन हो गए, कोई डमी साइन ही है, जो भी पर्सन होगा वो यहां पे अपना साइन करेगा, तो यहां पे ये साइन हो गए। ये साइन जो थे इसको, ये बहुत ही पतले दिख रहे हैं, इसकी लाइन विड्थ मेरे को अगर बढ़ानी है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, और यहां पे देखो लाइन वेट एक ऑप्शन है, लाइन वेट पे मैं क्लिक करता हूं और इसको 3 पिक्सल का बना देता हूं। दूसरे सिग्नेचर है उसको भी मैं सिलेक्ट करता हूं और लाइन विड्थ पे वेट पे जाता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं और 3 पिक्सल जो है उसको भी 3 पिक्सल बना। तो आप देख रहे होंगे कि साइन जो है वो भी यहां पे हो चुके हैं, और ये पर्सन वन के साइन थे और ये पर्सन टू के साइन थे, तो हमारा ये जो सर्टिफिकेट का जो डिजाइन था वो तैयार हो गया एक तरह से। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि हमको इसको सेंड करना है। तो अभी मैं देखता हूं कि मेरा फॉर्म पे मैं वापस जाता हूं, तो यहां पे देख रहा हूं मैं कि 23 फॉर्म्स जो है रेस्पॉन्सेज मेरे पास आ चुके हैं, और रेस्पॉन्सेज के अंदर जब भी मैं जाऊंगा तो 24 जनों को मेरे को, ये पार्टिसिपेंट है मेरे, तो उसको मेरे को सर्टिफिकेट सेंड करने हैं। तो इसको सर्टिफिकेट को मेरे को सेंड करने के लिए मैं रेस्पॉन्सेज टैब में जाऊंगा। रेस्पॉन्सेज टैब के अंदर मेरे पास में यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्रिएट स्प्रेडशीट। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जितने भी रेस्पॉन्सेज आपको दिख रहे थे इसकी एक स्प्रेडशीट बन गई है, राइट। तो कुछ जनों ने जो है वो नंबर, क्योंकि पहले नंबर जो थे वो ऑन था कि नंबर ही डाल सकता है कोई भी, तो यहाँ पे नंबर आ रखे थे, तो इस रेस्पॉन्सेज को जो है वो मैं डिलीट कर देता हूं, राइट। और ये सारे रेस्पॉन्सेज जो है वो अब अवेलेबल है मेरे पास में, तो इन सबको ये सर्टिफिकेट जाएगा, इस तरह का सर्टिफिकेट जाएगा। और इस तरह के सर्टिफिकेट में ये जो नेम जो टैग अपने लगाया था वो जो नेम जो स्प्रेडशीट के अंदर, जैसे रश्मि शर्मा लिखा हुआ आएगा, नीलम को जो है वो नीलम लिखा हुआ आएगा, ये जो है विकास कुमार पांडे को विकास कुमार पांडे लिखा हुआ आएगा वहां पे, राइट। तो इसको इसके लिए करने के लिए हमको इस जो स्प्रेडशीट है यानी कि गूगल शीट जो है इसके अंदर एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑटोक्रेड। ऑटोक्रेड को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है अपने पास में सबसे ऊपर एडऑन्स का, तो एडऑन्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहां पे मैं वो गेट एडऑन्स पे क्लिक करना पड़ेगा। गेट एडऑन्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी एडऑन्स अवेलेबल हैं इस स्प्रेडशीट के अंदर वो सारे यहां पे शो हो जाएंगे। एडऑन्स का ये मतलब होता है कि जो कि बेसिक फंक्शनलिटी जो गूगल शीट की है, इसके अलावा भी और कोई फंक्शनलिटी आप देना चाहते हो जो कि इसकी बेसिक फंक्शनलिटी के अलावा है,
तो वो आप उसमें एड ऑन करके उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ऑटो क्रेडिट जो है वो एक ऐसा एड ऑन है जिससे कि थ्रू हम बहुत सारे सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं। तो मेरे पास में अगर यहाँ से आप तो गूगल शूट मार्केट प्लेस से ऑटो क्रेडिट को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस पे ऑटो क्रेडिट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरे तो क्योंकि इंस्टॉल्ड है तो अन इंस्टॉल लिखा हुआ रहा है, आपके यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑटो क्रेडिट इंस्टॉल हो जाएगा, और जैसे ये इंस्टॉल होगा तो आपको एड ऑन्स भी दिखाई देगा। ऑटो क्रेडिट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब आपको इसको ऑटोमेटिक सेंड करने के लिए लॉन्च पे आप क्लिक करेंगे, राइट? तो जब भी आप लॉन्च पे इसको क्लिक करेंगे तो ऑटो क्रेडिट का जो बेसिक जो चीज है वो खुलेगी। तो इसके कुछ ऑप्शंस होंगे वो अपन को भरने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर न्यू जॉब अपन को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मर्ज अपन कर रहे हैं खूब सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो अपन न्यू जॉब पे क्लिक करेंगे, तो इस जॉब का सबसे पहले नाम देना पड़ेगा अपन को। तो इसका नाम सपोज कर लो हमने दे दिया है डमी सर्टिफिकेट, और इसको सेव भी करते जाएं। ये रिकमेंडेड है कि इसको सेव करते जाएं, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसको सेव करेंगे, हालांकि एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, एरर दे रहा है तो सेलेक्ट ए टेम्पलेट बोल रहा है, तो हम टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग जो है, हमने टेम्पलेट तो गूगल स्लाइड में बना ही रखा है, जिसका कि नाम जो है वो डमी सर्टिफिकेट है। इसका नाम डमी सर्टिफिकेट कर देते हैं हम। तो हम लोग यहाँ से, क्योंकि ये जो हमने सर्टिफिकेट बनाया था वो ड्राइव में से होता है, तो फ्रॉम ड्राइव एक ऑप्शन होता है, इस पर मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो डमी सर्टिफिकेट जो हमने डिजाइन किया था उसको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे इसके अंदर कि ये टैग को फैच कर रहा है, जो हमने नेम एक टैग दिया था उसको फैच कर रहा है, और हमको यहाँ पे जो हमने डिजाइन किया था डमी सर्टिफिकेट का टेम्पलेट वो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फाइल सेटिंग नाम से। फाइल सेटिंग के अंदर जो आपने जो सर्टिफिकेट आपका जो जाएगा वो किस नाम से जाएगा। जैसे सपोज करो कि कई बार सर्टिफिकेट जाता है तो अटैचमेंट में उसका नाम जो होता है वो ई सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं ई सर्टिफिकेट। इसकी और अच्छी बात यह है कि आप टैग्स को भी यूज ले सकते हैं। टैग्स को कैसे यूज ले सकते हैं? ऑफ, यहाँ पे आप जो नेम है नेम भी दे सकते हैं, यानी कि ये डायनेमिक टेक्स्ट है, और डायनेमिक टेक्स्ट जो है वो किसके करस्पॉन्ड होगा? जो शीट है उसके कॉलम के करस्पॉन्ड। सपोज कर लो कि हम टाइम स्टैम्प यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिखेंगे, नेम देना चाहते हैं तो नेम लिखेंगे। तो अगर रश्मि शर्मा जी को अगर जाएगा ये मेल यानी सर्टिफिकेट, तो उनका जो फाइल का नाम होगा, जो सर्टिफिकेट का नाम होगा, वो होगा ई सर्टिफिकेट ऑफ रश्मि बोरा। नीलम जी को जाएगा अगर, तो उनका जो सर्टिफिकेट का नाम होगा वो होगा ई सर्टिफिकेट ऑफ नीलम। या इनका जो नाम है विकास कुमार पांडे, तो इनका नाम, इनका जो सर्टिफिकेट होगा उसकी जो फाइल होगी जो पीडीएफ अपने भेजेंगे यहाँ से, उसका नाम होगा ई सर्टिफिकेट ऑफ विकास कुमार पांडे। तो ये टैग का ये रोल है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है टाइप। टाइप के अंदर जो है वो आप दो तरीके से सर्टिफिकेट भेज सकते हो, या फिर गूगल स्लाइड जो है वो पूरी पूरी आप भेज सकते हो, या फिर आप उसका पीडीएफ भेज सकते हो। तो ये रिकमेंड है कि आप पीडीएफ ही भेजें, क्योंकि ई सर्टिफिकेट कभी स्लाइड में कोई अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसको पीडीएफ ही भेजें। तो यहाँ पे मैंने पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया है, और मल्टीपल मोड हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको ऑटोमेटेड प्रोसेस करना है, ना कि हमको सिंगल आउटपुट मोड चाहिए जिसमें कि एक 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 को आप जो है वो मेल सेंड करोगे, ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको मल्टीपल मोड आउटपुट ही चाहिए। हम इसको सेव कर लेंगे। तो हमने सेव कर लिया है, वापस हम एडिट में जाएंगे। ये हमने फिल कर ही लिया था, ये हमने फिल कर लिया है। इसमें नेक्स्ट जो एक ऑप्शन आता है वो आता है मैप सोर्स डेटा टू टेम्पलेट। इसके अंदर मतलब ये है कि जो आपने स्लाइड्स के अंदर जो टैग लिए थे, जैसा कि आप देख, जैसा कि मैंने नेम एक टैग लिया था जिसमें कि लेस देन सिंबल था, उसके बाद में नेम था, फिर ग्रेटर देन सिंबल था। इस फील्ड को आप किस कॉलम से मैप करना चाहते हैं, यानी कि नेम में
क्या जो है वो ये जो स्प्रेडशीट है वो क्या मैप हो, यानी कि नेम की जगह पे अगर मैं यहाँ पे मैप करता हूँ नेम, तो यहाँ पे नेम की जगह पे पहला जो है वो रश्मि शर्मा आएगा, फिर दूसरा नीलम आएगा, फिर आर्यमोल आएगा, फिर विकास कुमार आएगा, आरती आएगा। अगर आप इसमें ईमेल सेलेक्ट करते हैं तो नेम जो आपने स्लाइड के अंदर जो सेलेक्ट कर रखा था टैग, उसमें सबका मेल एड्रेस आने लग जाएगा। तो दिस इज सेटिस्फाइड दैट मेल आईडी आ जाएगी उसकी। तो आपको मेल आईडी तो चाहिए नहीं, हमको नेम ही चाहिए। तो नेम जो टैग था स्लाइड के अंदर वो मैप हो गया है किसके, शीट जो है जिसका कि कॉलम का नाम नेम है उससे, राइट। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ये हम स्टेप कर चुके हैं। ये डेस्टिनेशन फोल्डर है। डेस्टिनेशन फोल्डर का मतलब ये है कि जब हम 100 जनों के ई सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे तो वो जो सर्टिफिकेट है यानी कि जो उसकी पीडीएफ फाइल है वो जाके कहां सेव हुए, तो हम लोग उसको ड्राइव के अंदर ही सेव कर रहे हैं। ये एक और ऑप्शन है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एड डायनेमिक फोल्डर रेफरेंस। और ये बिल्कुल ऑप्शनल ही है, हम लोग जब चाहें कि फोल्डर की आईडी बनके और उसमें सेव हुए ये सारे सर्टिफिकेट, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अभी हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हम इसको ऑप्शनल है, तो उसको कुछ भी सेटिंग इसकी नहीं करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम सेट मर्ज कंडीशन। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जबकि आप क्विज ले रहे हो, यानी कि जब भी आपका फॉर्म क्विज से बना हुआ हो तब ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि आप जो है वो अगर कोई पास हो रहा है यानी कि कोई कॉलम के अंदर ट्रू है वैल्यू, तभी उसके पास सर्टिफिकेट जाए, यानी कि जिसके अगर परसेंटेज 80% से ज्यादा आ रहे हैं टेस्ट के अंदर उसी के पास सर्टिफिकेट जाए, तो इससे हम इसकी कंडीशन सेट कर सकते हैं एड कंडीशन से। अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, अभी हम एक सिंपल सा ही एक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है शेयर डॉक्स एंड सेंड ईमेल्स, यानी कि हम जो डॉक्यूमेंट है उसको शेयर करना चाहते हैं और ईमेल भी सेंड करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। हम शेयर डॉक एस पीडीएफ पे करेंगे। अलाउ कोलैबोरेट टू रीशेयर, यस करेंगे। अगर कोलैबोरेटर रीशेयर करना चाहते हैं तो उसको अलाउ करेंगे हम। सेंड फ्रॉम जेनेरिक नो रिप्लाई मैसेज, तो इसको हम नो करेंगे। अब यहाँ पे अपन मेल लिखेंगे, मेल के अंदर लिखने के लिए हमको यहाँ पे टू और फिर यहाँ पे ईमेल लिखना पड़ेगा। जो हमारे पास में कॉलम का नाम था, जो हमारे पास में स्प्रेडशीट थी, हमारे पास में गूगल शीट, इसके अंदर जो कॉलम का नाम था, जैसे कि इसमें टाइम स्टैम्प है, नेम है और फिर यहाँ पे ईमेल भी था, तो हम यहाँ पे टैग बनाएंगे, यानी कि लेस देन ईमेल, फिर ग्रेटर देन लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर अपन को कोई सब्जेक्ट लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि डमी ई सर्टिफिकेट ऑफ, नाम भी लिखना चाहते हैं आप तो नाम भी लिख सकते हैं टैग के रूप में नेम, तो जिसको भी जाएगा ये उसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर इसकी बॉडी है, टेक्स्ट की जो बॉडी है इसमें लिख सकते हैं हम लोग डियर, जो भी पार्टिसिपेंट का नाम है, तो यहाँ पे लेस देन नेम, ग्रेटर देन प्लीज फाइंड दी ई सर्टिफिकेट ऑफ, यहाँ पे नाम दे सकते हो आप नेम, इफ एनी करेक्शन प्लीज इंटीमेट इमीडिएटली, ओके। तो ये हम मैसेज जो है वो देना चाहते थे, जो है जो पार्टिसिपेंट है उसको ये मैसेज जाएगा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स और ऑर्गेनाइजर। हम सेव कर लेंगे और अब ये हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जाने के लिए रेडी है। तो जिसने फॉर्म भरे थे उसके पास में ये सर्टिफिकेट चला जाएगा। और भी हम सेटिंग चेक कर लेते हैं, आपको सेटिंग अगर लग रही है कि हमने कोई गड़बड़ सेटिंग करी है तो आप जो है इसमें एडिट का एक बटन है उस पर भी जाके क्लिक कर सकते हैं, एडिट जॉब, तो आपको वापस सारी की सारी सेटिंग जितनी भी आपने करी थी वो सारी की सारी दिखाई देगी, सारी की सारी दिखाई दे रही है। देखो आप, हमने ये सारी सेटिंग कर चुके हैं हम लोग। इसमें एक और ऑप्शन आता है जिसमें की है एड और रिमूव जॉब ट्रिगर, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन है रन ऑन फॉर्म ट्रिगर, यानी कि ये एक ऑप्शन है जिसमें कि
ऑटो जनरेटेड है, आपको जो है वो यहाँ से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कंटेस्टेंट फॉर्म भरता है तो ऑटोमेटिकली वो जो फॉर्म जैसे ही भरेगा तो उसके पास में ई सर्टिफिकेट चला जाएगा। एक और ऑप्शन है इसके अंदर रन ऑन टाइम ट्रिगर, यानी कि हम ये चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद में जो है फॉर्म भरे जब वो कंटेस्टेंट, उसके कुछ समय बाद में वो जो है ई सर्टिफिकेट वो जाए, तो हम लोग इसको यस करके और जो भी सेटिंग आएगी इसके अंदर वो आप कर सकते हो। अभी हम मैं इन दोनों ऑप्शन को नो ही कर रहा हूं, अभी मैं फिजिकली इसको भेजूंगा यहां से। तो हम इसको सेव कर लिया है मैंने इसको। सेव करने के बाद में यहां पे देखो आप रन जॉब एक ऑप्शन है, तो रन जॉब जैसे ही मैं यहां पे करता हूं तो ये रनिंग जॉब डमी सर्टिफिकेट, इस जॉब का नाम जो था वो डमी सर्टिफिकेट था और ये स्टार्ट हो गया है। आप देखो ये अपनी फील्ड अपने आप ही बना लेता है, आप देखे तो कुछ कॉलम और ऐड हुए हैं, ये ऑटो कार्ड ने ही ऑटो क्रेड ने ही जनरेट अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉलम का नाम सेट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं जितने भी पार्टिसिपेंट है उसको जो है वो सर्टिफिकेट जा रहा है जाता जा रहा है। जैसे कि 26 जनों ने इस फॉर्म को भरा है, उसमें से दो जने जो है उनके पास ये सर्टिफिकेट जा चुका है। तो जिसके पास जा चुका है और मेल आ चुका है वो अपने चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं प्लीज। इस दौरान मैं भी एक फॉर्म भर लेता हूं इसके अंदर ताकि आपको दिखा पाऊं कि कैसा प्रीव्यू आ रहा है। तो ये सबको जा रहा है, देखिए आप फॉर्म। तो मैं यहां से देख भी सकता हूं कि कैसा फॉर्म गया है। जैसे कि रश्मि जी का एक फॉर्म गया है, तो ये रश्मि शर्मा जी का मेल गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि मैंने जहां पे टैक्स ऐड किया था ई सर्टिफिकेट ऑफ, यहां पे मैंने टैक्स ऐड किया था तो रश्मि बोरा जी का जो टैग था वो था लेस देन नेम था, तो जो नेम जो रश्मि बोरा जी का था वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे मैंने टैग लगाया था स्लाइड के अंदर रश्मि शर्मा जी, तो वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। वो ऐसे कैसे ही अगर हम देखें दूसरे और भी सर्टिफिकेट जा रहे हैं, जैसे नीलिमा जी का देखे तो नीलिमा जी का भी सर्टिफिकेट चला गया है। सॉरी नीलिमा जी का मैं ओपन करता हूँ, नीलम जी का, सॉरी नीलम जी का देखो सर्टिफिकेट इस तरह से चला गया है। तो कई लोगों के पास में सर्टिफिकेट रिसीव हो रहे हैं, ये एक डमी सर्टिफिकेट है, ये आपके कहीं यूज नहीं आएगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप इसको यूज ना ले, इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैंड्स ऑन के लिए ये बनाया गया है। तो ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं कि सबके पास चला गया है। रश्मि बोरा जी के पास रश्मि बोरा जी का चला गया है, और विकास कुमार जी के पास विकास कुमार जी का चला गया है, आप विकास कुमार जी का देखिए, तो सबके पास में रिसीव हो गया ये। तो इस तरह से आप कोई भी कॉन्फ्रेंस करवाएं या फिर कोई भी क्या कहते हैं कोई भी इवेंट करवाएं और आपको सर्टिफिकेट देने हैं, तो इस तरह से आप पूरा जो है वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये विकास कुमार पांडे जी का भी सर्टिफिकेट चला गया, राइट। तो आप देख सकते हैं और इन सबका नाम देखिए आप, टैग जो है टैग जहां जहां पे लगाया है मैंने वो सारा टैग जो है वो नाम से रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह से आप जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करते हैं और इस तरह से रेस्पॉन्सेज लेके, और जिस जिसने वो फॉर्म भरा है उसको जो है वो ई सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। तो ओवर टू यू पंकज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े रैपिड स्टाइल में बताया, बहुत जरूरी भी था, समय कम हम लोगों के पास है, हम दो घंटे में एक सब कुछ सीख लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट के बारे में, और हमारे बीच आप लोग जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा ही एक सुंदर टेम्पलेट भी रखा, शायद सबको पसंद भी आ रहा होगा सर्टिफिकेट रखने का, मुझे भी देखकर लग रहा है कि बड़ा अट्रैक्टिव सा आपने
टेम्पलेट भी सबके सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप एक साथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं, इससे नीरज सर ने हम लोगों को अवगत कराया है। मैं उनका सभी की तरफ से, पूरे संस्थान के परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं सर। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच आज मौजूद हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार सर। सर काफी एक्टिव रहते हैं स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में, और सर जो आईडी का फील्ड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का फील्ड है, उसके एक जाने माने विशेषज्ञ भी हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि इसी सर्टिफिकेट के जो अभी हेमंत सर ने बताया है और नीरज सर ने बताया है, इसी कड़ी को वो आगे बढ़ाएं और हम सबको बताएं कि सर्टिफिकेट के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पर डॉक्टर अखिलेश कुमार सर को कि प्लीज आए और हम अपने जो अनुभव है हमसे साझा करें। डॉक्टर अखिलेश कुमार सर। धन्यवाद पंकज सर, आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में हमें आमंत्रित करने के लिए, और निदेशक एनआई पीवीडी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना अच्छा वेबिनार आयोजित करने का आमंत्रण आपको दिया और उनके निर्देशों पे आप बहुत अच्छा आईसीटी पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। साथ ही मैं पूरे टाइम आज के प्रोग्राम में जुड़ा रहा, बहुत बारीकी से हमारे मित्र हेमंत मौर्य जी ने बताया कि कैसे सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं certify.em से, और उतनी ही गहराई से नीरज अरोड़ा जी ने भी बताया कि ऑटो क्रिएट का ऑप्शन यूज करते हुए हम कैसे सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और एक साथ सेंड भी कर सकते हैं। अब आखिरी वक्ता होने के नाते मुझे नहीं लगता कि सर्टिफिकेट्स में कुछ ऐसी चीज आप लोगों के जानने के लिए बची है, और बची भी हो तो जैसे कमिटमेंट उन्होंने किए, हेमंत मौर्य जी ने भी किए, नीरज अरोड़ा साहब भी अभी आपके साथ मौजूद रहेंगे, तो अब सर्टिफिकेट में बात करने के लिए कुछ ज्यादा रह नहीं जाता है। और कहते हैं कि जब अच्छे वक्ता, जैसा कि सबको ज्ञात है कि नीरज अरोड़ा जी कंप्यूटर साइंस के हैं, हेमंत मौर्य जी भी आईसीटी के एक्सपर्ट हैं, और हमारे आदरणीय पंकज जी भी आईसीटी के बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, अब तीन वक्ताओं के बाद सर्टिफिकेट पर कुछ चर्चा करना आप लोगों पर थोड़ी ज्यादती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं कोई भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करूंगा सर्टिफिकेट से संबंधित। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और तनाव ना लें। और मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर सुन पा रहा। ओके, सो मेनी थैंक्स फॉर फीडबैक। मैं आप लोगों के साथ कुछ गेम खेलना चाहूंगा, कुछ नई चीज सीखें। सर्टिफिकेट तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद सारा आ जाएगा। सारा खेल टैक्स का है, अगर टैक्स और आइडेंटिफायर्स आपने अच्छे से कर लिए तो कोई कारण नहीं कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट ना हो और पार्टिसिपेंट तक जाए नहीं। सजेस्टिव है कि आप प्रैक्टिस करें इसकी और सीखें, और कभी एक फीडबैक सेशन जरूर पंकज जी आयोजित कर लें, जिसमें किसी को जो भी प्रॉब्लम हो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हुए ही समझ में आएगा कि आखिर क्या समस्या है इसमें हो सकती है आपको, और वो समस्याएं हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे कि दूर कर लें। एक पैनल डिस्कशन इसके सीरीज ऑफ वेबिनार के फॉलो अप में पंकज जी रख लें तो अच्छा रहेगा, ये सजेस्टिव है। बाकी मैं आपसे बात करूं, अब बात क्या करूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल है अभी जिससे आप अटेंड कर रहे हैं? चैट बॉक्स में बताएं प्लीज, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कितने लोग हैं। और चलिए कोई बात नहीं, लैपटॉप पे जितने लोग हैं वो एक सेपरेट विंडो खोल लें और एक वेबसाइट खोलें, kahoot.it kahoot.it www.kahoot.it, और जो लोग मोबाइल पे हैं वो अपना वीडियो बंद कर लें, बैग चले जाएं और कहूट ऐप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद कुछ गेम हम लोग खेलेंगे साथ साथ, एक नई चीज भी सीखेंगे साथ साथ और एक नया अनुभव करेंगे। मैं समझता हूं कि आधे मिनट का टाइम आप लोगों को लगेगा कहूट इंस्टॉल करने में या kahoot.it खोलने में, और वहां पे खोलने के बाद जस्ट आपसे पूछेगा कि आप पिन बताएं, बस वहां पे आप रुकें। और तब तक मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, इसमें आपको मैं बताता चलूं कि मैं क्वेश्चन बोल भी दूंगा, मेरी ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा
और आपकी स्क्रीन पे कहूट वाले स्क्रीन पे क्वेश्चन और ऑप्शन, जिनके पास लैपटॉप है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो एक स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लें और उसके ऑप्शंस देख लें और दूसरे स्क्रीन पे वो आंसर उसका दें। इससे हमें भी फीडबैक मिलेगा कि डिसेबिलिटी के बारे में आपकी जानकारी कैसी है, उसके बाद कुछ और बात करेंगे हम। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। जी सर, देख पा रहे हैं। और आप लोगों में से उम्मीद करें कि कुछ लोगों ने कोहोट इंस्टॉल भी कर लिया होगा और कुछ लोगों ने अपने विंडोज में कोहोट चला भी लिया होगा। तो आइए थोड़ा सा गेम खेलते हैं छोटा सा। आपको एक आएगा सबसे पहले, जैसे ही आप पिन डालेंगे, जो पिन मैं आपको बताऊंगा वो पिन जब आप डालेंगे तो आपको सबसे पहले वो आएगा कि आप अपना कोई निकनेम चुनिए। तो आप वो निकनेम चुन लीजिएगा, कोई भी निकनेम, अलग अलग निकनेम आते हैं, वो चुन लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा उस पिन से, जो पिन अभी आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। सो पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपनी नींद खोल लीजिए, अगर आप 1.5-2 घंटे से स्लीपी फील कर रहे हैं तो। और ये पिन जो आपको दिख रहा है 4378840, ये अपने कोहोट वाले वेबसाइट में डालें। अभी तक एक भी प्लेयर जुड़ नहीं पाया है। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं ये बताइए। मैं तो जुड़ चुका हूँ सर, उस पे कनेक्ट हो चुका नहीं, अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, अभी 0 प्लेयर्स ये बता रहा है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, सारे लोग जुड़ते रहेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। वन प्लेयर जुड़े हैं और पेरी स्टॉर्क उनका नाम है, निकनेम। अदर प्लेयर्स प्लीज, ये कोई बात नहीं, 2 प्लेयर जुड़े हैं, 3 प्लेयर जुड़े हैं, रॉक स्टार हॉर्स जॉली लेमिंग, रेडी रहिए 9-10 सेकंड में, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, नाउ 0 सेकंड। सो This is the first question for you. Who discovered light bulb? These are the options. 16 second, 15 second आपके पास है आंसर के लिए, 13 second, 12 second, 11 second, 10 second. हमारे प्लेयर्स कहाँ हैं? अभी तक एक आंसर, 2 आंसर प्राप्त हुए हैं, 3 आंसर प्राप्त हो चुके, 3 प्लेयर जुड़े हुए हैं, उसमें 2 सही हैं और 1 गलत है। बाद में हम लास्ट में इसका वो करेंगे। और सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है टाइमिंग वगैरह सारा कंसीडर करते हुए वो हैप्पी एटी का है, जो भी हैप्पी एटी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर NIPVD इज लोकेटेड, ऑप्शन देखें। दो आंसर हमें प्राप्त हो चुके हैं, अभी 9 सेकंड बाकी है एक आंसर, और तीनों प्लेयर हमारे आंसर करने में सफल हुए हैं इसमें। सो काफी नॉलेजेबल हमारे सारे प्लेयर्स हैं और सारे पार्टिसिपेंट हैं। लीडिंग पे हैं हैप्पी एसी, जॉली लेमिंग सेकंड पे हैं और पेरी स्टॉर्क जो है थर्ड पे अभी पोजीशन पे चल रहे हैं। हाउ मेनी टेल्स अ डॉग हैज, ये तीसरा क्वेश्चन है। एक आंसर मिल चुका है हमें, 2 आंसर मिल चुके और 3 आंसर, मतलब 8 सेकंड में हम सारे आंसर हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ने कर दिए और तीनों आंसर सही हैं। गुड। तो पेरी स्टॉर्क जी आ गए हैं समय को देखते हुए 1872 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन पे। NIPID इज लोकेटेड एज, दो आंसर, 3 आंसर, हमारे सारे जो प्लेयर्स हैं उसमें से 1 उत्तर गलत है, 4 उत्तर हैं, 1 उत्तर गलत है और 3 सही हैं। और हैप्पी एटी 3850 मार्क्स के साथ टॉप पे चल रहे हैं अभी। 5वां क्वेश्चन, NIPMD इज लोकेटेड एट, ऑप्शन देखें। पार्टिसिपेंट आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं ये बताइए। देख पा रहे हैं सर, देख पा रहे। ओके ओके सर, थैंक यू।
दो लोगों ने सही और दो लोगों ने गलत रेस्पॉन्स दिए हैं, कोई बात नहीं। तो हैप्पी एटी 5145 मार्क्स के साथ टॉप पे और जॉली लेमिंग सेकंड पे हैं। छठा क्वेश्चन, आरपीडब्ल्यू डी एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? तीन आंसर हमारे पास आ चुके हैं, चार आंसर, चारों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या, तो चार और एक पांच, पांच रिस्पॉन्सेज हैं हमारे पास। एक और प्लेयर हमारे बढ़े हैं अभी, और भी लोग जुड़िए। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज ऑन, थर्ड दिसंबर। चार उत्तर सही हैं, एक उत्तर गलत है, और हैप्पी एटी जो निकनेम है वो टॉप पे हैं 7945 मार्क्स के साथ। ये एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है कि सिकल सेल डिजीज जो है डिसेबिलिटी में इंक्लूडेड है या नहीं। 16 सेकंड आंसर करने के लिए, 14 सेकंड, 13 सेकंड, 12 सेकंड, एंड वी हैव रिसीव्ड ऑल द फाइव आंसर्स। फाइव पार्टिसिपेंट्स आर एडेड, नाउ सिक्स, वन मोर पार्टिसिपेंट हैज बीन एडेड, और 9335 मार्क्स के साथ हैप्पी एसी जी टॉप पे चल रहे हैं। तो इनका नाम बाद में पूछेंगे, ये कौन है। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया इज कंसिडर्ड एज ए डिसेबिलिटी इन इंडिया, वेदर ट्रू और फॉल्स? वन आंसर, फोर आंसर्स, फाइव आंसर्स। तो हमारे सारे वेरी गुड, और सारे हमारे जो साथी हैं, सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत फास्ट हैं। एक और पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं, छह हो गए हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और सबको बधाई कि छह के छह सारे इस बार सही हैं। चलिए दो चार क्वेश्चन और पूछ लेंगे बस, उसके बाद हम 10697 मार्क्स के साथ हैप्पी एसी टॉप पे हैं। अगला क्वेश्चन, एसिड अटैक इज कंसिडर्ड एज ए डिसेबिलिटी इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? चार उत्तर सही हैं, तीन उत्तर गलत हैं, और अच्छी बात यह है कि हमारे साथ एक सातवें पार्टिसिपेंट भी जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑटिज्म इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिसेबिलिटी इन इंडिया, ग्यारहवां क्वेश्चन, ट्रू या फॉल्स? दो सही उत्तर हैं और पांच गलत उत्तर हैं हमारे पास, बट नो नीड टू वरी। हैप्पी एटी जी 13349 मार्क्स के साथ अभी टॉप पे चल रहे हैं। चलिए, लर्निंग डिसेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिसेबिलिटी इन इंडिया, बारहवां क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन और दूर हैं हम अपने इस काम से। दो सही उत्तर, तीन सही उत्तर हैं, दो गलत उत्तर हैं, और जॉली लेमिंग हमारे 10689 पे सेकंड हैं। हैप्पी एटी कंटिन्यू है, अपना स्थान मेंटेन कर रखा है। मेंटल डिटेक्शन एंड मेंटल इलनेस आर द सेम, ट्रू और फॉल्स? देखें, हमारे पास सात लोग जुड़े हुए हैं जिनमें चार सही उत्तर हैं और तीन गलत उत्तर हैं, और पार्टिसिपेंट के स्थान में कोई फर्क नहीं आया है। अगला क्वेश्चन, आरसीआई डील्स विद टीचर एजुकेशन इन इंडिया, हमारे पास सातों आंसर हमें प्राप्त हो चुके हैं। सात लोग हमारे साथ, आठ आंसर प्राप्त हुए हैं इस बार, एक और पार्टिसिपेंट ज्यादा जुड़े हैं जिसमें से नौ आंसर प्राप्त हुए हैं। छह लोग सही हैं, तीन लोग गलत हैं, और पार्टिसिपेंट्स के क्रम में कोई फर्क नहीं आया है। ये आखिरी क्वेश्चन है, आरसीआई कम्स अंडर एनएचआरडी,
हमें 4 आंसर मिल चुके हैं, 5 आंसर मिल चुके हैं, 6, 7, 8 आंसर हमें मिल चुके हैं। तो मित्रों मैं गेम एंड कर रहा हूं, मेरा स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं। आप बताएं कि आप में से किनका नाम हैप्पी एटी है? सर गलती से मेरा नाम है। अरे चलिए चलिए, सो आप टॉप पोजीशन पे रहे। बाकी हमारा पर्पस ये था कि कुछ नई चीजें सिखाई जाए, तो kahoot.it पर आप अपना क्विज तैयार कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं और इस प्रकार के लाइव गेम सारे पार्टिसिपेंट के बीच शेयर कर सकते हैं, जो एक इंजॉयफुल लर्निंग सबके लिए होगी और आपके लिए भी होगी। तो ये तब उपयोग किया जा सकता है जब आपके पार्टिसिपेंट्स टायर्ड हों, थके हुए हों। अब मैं बात करना चाहूंगा कि बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है kahoot.it पर जाकर के। आप मेरी स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं? जी सर देख पा रहे हैं। थैंक यू। kahoot.it पे आप सबसे पहले जब जाएंगे तो यहां पर आपका आ रहा है गेम पिन, कोई गेम आपको खेलना हो तब आप करें इसको create.kahoot.it। और आप कहूट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे और जब आप जैसे आप ईमेल आईडी में लॉगिन करते हैं उस प्रकार आपको एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, या जीमेल से या फेसबुक से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आपने जब लॉगिन कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे कहूट की नीली स्क्रीन आपको दिख पा रही है ना, जिसमें होम, डिस्कवर, कहूट, रिपोर्ट्स, ग्रुप्स, अपग्रेड नाउ, ये सारे ऑप्शन है। ओके सो थैंक यू फॉर द फीडबैक। ये देखें आप यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट का, तो आप क्रिएट में जाएं। बहुत ही आसान है, कोई जादू नहीं, कुछ भी नहीं। न्यू कहूट, सो जस्ट क्रिएट ए न्यू कहूट। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के पेन में आ गया है क्विज ऐड क्वेश्चन, तो आप करें ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन में आपके पास फ्री वर्जन में कहूट के क्विज और ट्रू और फॉल्स के ऑप्शन है, और उसके बाद जब पेड वर्जन आप लेते हैं तो टाइप आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के हैं, पजल के ऑप्शन हैं, पोल के ऑप्शन है जो आप ऑनलाइन लाइव पोल करा सकते हैं, वर्ड क्लाउड के ऑप्शन है और स्लाइड का ऑप्शन है। तो इसमें क्विज या ट्रू फॉल्स जो आपको लेना है वो ले लें। एक एग्जांपल क्विज का ले लिया हमने। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें, हाउ मेनी लेग्स अ हॉर्स, यहाँ पे आंसर आप ऐड करें 1, 2, 3.5, 4। यहाँ पे जो गोला बना हुआ है इसको आप चेक करें कि सही आंसर ये है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी देखें साइड में आपके पास ऑप्शन है कि कोई क्वेश्चन अगर आपको डिलीट करना हो तो यहां से डिलीट कर सकते हैं आप क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का डुप्लीकेट भी यहां से बना सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्विज के नीचे देखिए छोटे छोटे दो आइकॉन बने हुए हैं, एक डुप्लीकेट का है और एक डिलीट का है। ऐड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐड करें। अब नहीं लेना मुझे क्विज का, अब ट्रू और फॉल्स का लेना है। विजुअल इंपेयरमेंट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन हियरिंग, विजुअल इंपेयरमेंट
क्रिएट प्रॉब्लम्स इन हियरिंग, ठीक है, आपने ले लिया। आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर, कोई इमेज ले सकते हैं, यहाँ से इमेज लाइब्रेरी से अपलोड इमेज कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप कोई वीडियो दिखाकर पूछना चाहते हैं कि इसका लेखक कौन है, इसका गायक कौन है, इसका हीरो कौन है, इमेज लाइब्रेरी से कुछ लेना चाहते हैं, कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं, उसके ये ऑप्शन है। तो ऐड क्वेश्चन में यहाँ पे विजुअल इंपेयरमेंट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन हियरिंग, ये आप जानते हैं कि फॉल्स है, आपने ये कर दिया। ज्यादा प्रश्न नहीं बताऊंगा, प्रश्न तो ऐसे ही आप ऐड करते जाइए, ऐड क्वेश्चन ऐड क्वेश्चन ऐड क्वेश्चन। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कहूट टाइटल इसका डाल दीजिए, कहूट का टाइटल क्या है, NIEPVD ट्रेनिंग। डिस्क्रिप्शन कुछ डालना हो तो डालें, सेव टू कहां सेव करना चाहते हैं आप वो डालें, विजिबिलिटी सबको होना चाहिए, आपको होना चाहिए, लैंग्वेज चेंज करना चाहें आप लैंग्वेज यहां से चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक आप चलाना चाहते हैं कौन सा, जो म्यूजिक आपको बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहा था, मुझे मैं श्योर नहीं हूं कि आप लोगों को सुनाई दे रहा था वो म्यूजिक या नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन अगर सुनाई दे रहा हो तो लॉबी म्यूजिक आप चला सकते हैं, इसको डन कर लीजिए। डन करने के बाद आप यहां पे डन कीजिए फाइनल, और अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, टेस्ट दिस कहूट, आप चाहें तो पहले टेस्ट कर सकते हैं, प्ले नाउ उसको प्ले कर सकते हैं, और इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ प्ले नाउ क्लिक। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि टीचिंग के लिए है, असाइनमेंट के लिए है। असाइनमेंट तब यूज करेंगे आप जब सेल्फ पेस्ड लर्निंग हो, कोई आप मूडल पर कोर्स डेवलप कर रहे हो तब, और जब लाइव की जरूरत हो तो आप पिच पे जाएं लाइव गेम के लिए। यहाँ पे गए हम लाइव गेम के लिए, आप फिर से उसी कोहोर्ट पे जाएंगे और फिर से नया गेम पिन आपको मिलेगा, वो नया गेम पिन मिलेगा आपको, प्लेयर वर्सेस प्लेयर, एक आदमी एक डिवाइस पे बैठा हुआ है उसके लिए, या कई लोग एक डिवाइस पे बैठे हैं उसके लिए, टीम मोड क्लासिक मोड। मैंने क्लासिक मोड चुना था पहले भी, अभी भी चुन रहा हूँ। इसमें 50 प्लेयर लगभग कोहोर्ट बेसिक में आपके साथ लाइव गेम में भाग ले सकते हैं। मैं क्लासिक पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये जा रहा है रेडी टू ज्वाइन। फिर से आप कोहोर्ट पे जाएंगे तो जो गेम पिन ये बताएगा, वो पिन जैसे ही मैं सेव करूंगा, ये पिन 486919, ये आप लोग डाल के देखें, किसी ने अगर इंस्टॉल कर लिया है कोहोर्ट तो आप जुड़ जाएंगे, और जैसे ही जुड़ेंगे ये गेम शुरू हो जाएगा, और न केवल गेम शुरू होगा, इसकी पूरी स्कोरिंग आती रहेगी हमारे सामने टाइम कॉन्स्टेंट के साथ, जो जो सेटिंग मैंने कर रखे हैं उसके अनुसार। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूं। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, और स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आप अपने कहूट को यूज करते हुए आप अपने लेक्चर को, अपने ऑनलाइन टीचिंग को, सबको इनोवेटिव भी बना सकते हैं, इवेल्युएशन और असेसमेंट भी कर सकते हैं, और साथ साथ इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। ये छोटा सा लेसन आज मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं सर्टिफिकेट पे चर्चा करने से दूर हुआ, इसलिए कि सर्टिफिकेट पे दो सेशन होने के बाद आप सर्टिफिकेट जनरेट कर लेंगे, उतने में आप 400-500 सर्टिफिकेट जनरेट कर लेंगे। सो यू डिड नॉट नीड व्हाट आई फेल्ड टू गो टू सम अदर सॉफ्टवेयर और इन मोर डेप्थ। और अगर और ज्यादा आप सीखना चाहते हैं कभी, तो नीरज जी हमारे लेटेक्स के एक्सपर्ट हैं, आप उनसे लेटेक्स में सर्टिफिकेट जनरेट करना सीख सकते हैं। दैट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर सर्टिफिकेट जनरेशन एंड इवन साइंटिफिक पब्लिकेशन। सो दिस वॉज द टूडेज लेसन कहूट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दो तीन साथी मिलकर के kahoot.it की साइट पे जाएं, कहूट अपना बनाएं, उसका यूज करें, और उसको अपने टीचिंग और लर्निंग में इंटीग्रेट करना सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके धैर्यपूर्ण श्रवण के लिए। आपके पास समय है अभी 7 मिनट, में समझता हूँ कि समय है, और हेमंत जी भी जुड़े हुए हैं, नीरज जी भी जुड़े हुए हैं, मैं भी हूँ, पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो, या कोई कमेंट हो आपका तो आप बताएं। When I started the game, then I was unable to see the option on my screen. But in your screen it was able.
राइट दैट इज कहूट वो स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिखेंगे आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन आपको सामने देख करके स्क्रीन पे चूंकि लाइव गेम है वहां पे आप देखेंगे और आंसर के सारे ऑप्शन आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाई देंगे वहां से आप आंसर यूज कर सकते हैं। ये नीलम जी ने क्वेश्चन पूछा था देन रुचि जी ने फीडबैक दिया है सर हम लोगों ने आज तक जो भी सीखा इस वेबिनार में अगर उसमें से किसी को भी करने में कोई समस्या होने पर हमें क्या करना चाहिए। उसे मेरा एक आंसर है ये रुचि पाल जी का जवाब है मैं भी देख पा रहा हूँ सॉरी मैं थोड़ी देर दो मिनट के लिए अवे था। सबसे पहली चीज तो कि आप लोगों ने जो भी सीखा इस वेबिनार में उसमें किसी को करने में कोई समस्या होने पर कम से कम 5 बार तो आपको रिट्राई करना चाहिए सीखने की कोशिश करनी चाहिए पहला। दूसरा कि कभी भी देखिए किसी को भी आप अगर आपको समस्या आती है तो आदमी समस्या से तत्काल राहत चाहता है और जितने भी एक्सपर्ट हैं नॉट नेसेसरीली आपके समय पे वो अवेलेबल हो। दूसरा कि जो भी एक्सपर्ट हैं आप चाहें तो उनको मेल डाल सकते हैं उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपसे समस्या दूर नहीं होती है। तीसरा आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया है अगर ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस विंडो को तत्काल बंद करके यूट्यूब की विंडो खोलिए और एग्जैक्ट जो समस्या आ रही है जैसे आपको समस्या आ रही है कि आई कैन नॉट क्रिएट माई कहूट हाउ टू क्रिएट अ कहूट यूट्यूब पे डालिए और आपको यूट्यूब के वीडियो लेक्चर बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर ये समस्या बिल्कुल डिफरेंट नेचर की है तो आप हम सबसे कॉन्टेक्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन सिंक्रोनस मोड में कई बार कॉन्टेक्ट पॉसिबल ना हो तो सिंक्रोनस मोड आप यूज करें आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं आप मेल डाल सकते हैं एग्जैक्ट अपनी समस्या का विवरण बताते हुए कि ये हमारी समस्या है विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज पर आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आर्य मोल साहब पूछ रहे हैं कि कोई फीडबैक फॉर्म है और विल प्रैक्टिस सर शिवा जी देखिए सबसे अच्छा उन्होंने फीडबैक लिखा है कि विल प्रैक्टिस नाइस टू सी योर मैसेज शिवा जी एंड Until you practice, you won't be perfect. जब तक आप practice नहीं करेंगे आप perfect नहीं होंगे. So इसका option एकमात्र ही है कि practice, practice and practice. पुरानी कहावत है practice makes a man perfect. और नीलम जी ने लिखा है no doubt sir, Pankaj sir really we learnt a lot with you in these sessions. So thanks a lot Pankaj ji because we also have learnt a lot in these sessions with you. We all have learnt together. So thanks a lot and I don't think that there is any such confusion or any such question. So, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका Thank you, sir. Thank you. आने के लिए और नॉलेज शेयरिंग के लिए। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत डेप्थ में आपने बताया हेमंत जी ने भी बहुत डेप्थ में बताया और सबसे Thank you, sir. Thank you. आगे धन्यवाद पंकज जी का पंकज शाह जी का और आदरणीय निदेशक NIPVD हिमांशु दास जी का कि उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हम सबको साथ साथ सीखने के लिए हम सबको साथ साथ पढ़ने के लिए। ओके सो थैंक्स अ लॉट थैंक यू सर अखिलेश सर आपको भी थैंक यू हम लोगों ने जो स्ट्रेस दिया मैंने और नीरज जी ने उसको आपने क्विज के माध्यम से कम कर दिया है और कुछ नया इन लोग को सीखने को दे दिया तो वो भी बहुत मेरे ख्याल से इनको अपने स्टूडेंट के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत काम आएगा क्विज ऑर्गेनाइज करने में वहां पे। तो सर थैंक यू आपका भी आपने भी बहुत सपोर्ट किया और लास्ट होके और उनको एनर्जेटिक फॉर्म में सबको ऐड करना ये बड़ी बात है वो आपने कर दिखाया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपको भी ओके सर हेमंत सर आपने ऐड ऑन नहीं बताए उसमें जो कि जो दूसरे ऐड ऑन चाहिए थे एक सेकंड हाँ बोलिए फिर से बोलिए आवाज आई 100 से ज्यादा अगर हमें रिस्पॉन्स किसी को भेजना है सर्टिफिकेट किसी भी को भेजना है तो ऐड ऑन के नाम आपको बोलने वाले थे बीच में मैं जो जो नीरज सर ने बताया ना ऑटोक्रेट उसमें 100 से ज्यादा का ऑप्शन है ठीक है क्योंकि उसमें 100 से ज्यादा का ऑप्शन है इसके अलावा आपको ना ये जो एड ऑन हम लोगों ने बताया ये फ्री वर्जन है ठीक है कुछ एड ऑन्स हैं जो पेड वर्जन है उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे हम लोगों ने फ्री वर्जन यूज किया और फ्री वर्जन बताया। ऐसे ही मेल मर्ज होता है सपोज आपने सर्टिफिकेट अलग जनरेट कर लिया और आप मेल मर्ज के थ्रू एक ही मेल से सबको मेल भेजना चाहते हैं तो वहां पे भी मेल मर्ज में भी एड ऑन आपको आता है वहां पे भी ये प्रॉब्लम आती है विद इन 100 और विद इन 200
उससे ज्यादा एक साथ सेंड करने के लिए मेल मर्ज में भी आपको फिर पे वर्जन वाला एड ऑन लेना पड़ता है, पेड वर्जन लेना होगा, पेड वर्जन लेना होता है। ये रिस्ट्रिक्शन है फ्री एंड पे के, ठीक है। तो हम 100-100 करके 2-3 दिनों में कर सकते हैं। आपने बहुत सारे वेबिनार में देखा होगा कि एक साथ सबके सर्टिफिकेट नहीं जाते, थोड़े लोग के आज मिलते हैं, थोड़े लोग के कल मिलते हैं, तो ऐसा भी कर सकते जब मैं, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। क्या होता है जब मैं महाराष्ट्र प्रोफेशनल एसोसिएशन की ओर से जब भी लेता हूँ तो मिनिमम 3,000-4,000 इतने रिस्पॉन्सेस आते हैं, तो मुझे शेयर करना होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उस केस में आपको एडवांस एड ऑन लेना पड़ेगा, वो पे वर्जन होते हैं, उसमें भी ये बहुत कॉस्ट नहीं आती है, वो अलग अलग है जैसे आप लेना चाहें। तो जिसको इतना बल्क में प्रोग्राम करना है ना, फिर वो उसके हिसाब से लेता है। जैसे अभी सपोज गूगल मीट हम यूज कर रहे हैं, ये फ्री वर्जन है, ऐसे जूम भी है, उसमें भी आप देखेंगे तो पेड वर्जन है, फ्री वर्जन है। जैसे पर्टिकुलर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जूम को पेड वर्जन में यूज करते हैं, तो उसमें हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं बहुत सारे, बट फ्री वर्जन में बेनिफिट नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। फिलहाल तो मैं जूम का पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं आपको, जो कि फ्री वर्जन में नहीं मिल पाते। डायरेक्टली फेसबुक लाइव भी कर सकते हैं, तो वही ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू आप, थैंक यू, थैंक यू।